नमो भीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उभस्तायाणम नमो लोए सब साहुनम ऐसो पंच नमुकारो सब पापणासनो मंगलानंच सव्येसि परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जगत भरना संत पुरुषों योग बल जगत भरना सत पुरुषों योग बल अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योग बल समस्त विश्व नु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो समस्त विश्व नु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो अने कल्याण करवानु निमित्त बनवाने अने कल्याण करवानु निमित्त बनवाने हम सब महात्माओं ने हम सब महात्माओं ने परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो जगत ना सर्व जीवो सुख ने शांति ने पामो जगत ना सर्व जीवो सुख ने शांति ने पामो जगत ना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगत ना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगत ना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगत ना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगत कल्याण हो 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 निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंद्य है तैत्रिश कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणक यज्ञमे मंगलमयद्यो आसितम् सीतस्वरूपी मूर्तमो गलति भूलको माप्यो व्यवहारे सदबुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी, हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी, अने प्रार्थना करी छे के, अने प्रार्थना करी छे के, हम सर्वे महात्माओं ने, हम सर्वे महात्माओं ने, मोक्ष मार्ग ने लायक सहायक संजोगो प्राप्त थाओ हे श्री अम्बे मा, हे श्री भद्रकाली मा, अमे आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी, अने प्रार्थना करिए छे के प्राप्त मन वचन काया थी आ जगतना कोई पण जीवने किंचित मात्र पण दुख न थाय तेवी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन अने स्याद्वाद मनन करवानी परम शक्ति आपो जय सच्चिदानंद। सच्चिदान ज्ञान अज्ञान और विज्ञान ये तीनों में अंतर क्या है? अज्ञान का मतलब होता है आम लोग जिसको नहीं स्वीकार करते हैं स्पीच थॉट एंड एक्शन इसको अज्ञान कहते हैं। ज्ञान आम लोग इसको स्वीकार करते हैं वो ज्ञान कहते हैं, मगर दोनों रिलेटिव सत्य है, दोनों लोगों की मान्यता के ऊपर आधारित है। एक कहता है मीट खाना चाहिए वो हमारा ज्ञान है, दूसरा कहेगा नहीं खाना चाहिए वो हमारा ज्ञान है, तो क्या हो गया? व्यू पॉइंट हो गया ना, तो रिलेटिव सत्य हो गया। एक कहता है कि राम को मानना मेरा ज्ञान है, एक कहता है नहीं कृष्ण को मानना मेरा ज्ञान है, तो वो क्या हो गया? एक कहता है मैं उसकी आरती करूंगा, एक कहता है उसकी आरती करूंगा, एक कहेगा मैं ये मंत्र बोलूंगा, एक कहेगा मैं ये मंत्र बोलूंगा, तो ये क्या हो गया? व्यू पॉइंट, इट्स अ रिलेटिव सत्य, यहाँ साइंस नहीं है। तो ज्ञान और अज्ञान है, क्या है? ज्ञान और अज्ञान, और पूरी दुनिया चलती है ज्ञान और अज्ञान से, इसमें विज्ञान नहीं है। पूरी दुनिया जो चलती है लोगों के मन के आधार से, विचारों के आधार से, वो ज्ञान अज्ञान से चलती है, और एक्चुअली सृष्टि चलती है विज्ञान के आधार से। जैसे H2 होता है, ऐसे पानी होता है, तो क्या है? विज्ञान। ये सब एनर्जी है, सोलार एनर्जी, पवन एनर्जी, पानी एनर्जी, अग्नि एनर्जी, आप सुने ना, हवा एनर्जी, ये सब क्या है? साइंस है, पावर है अलग अलग प्रकार के, और वो दुनिया में काम करता ही है। अगर प्राणवायु नहीं है तो हम जी नहीं सकते हैं। ये कुदरत, हम कितना भी यूज करें प्राणवायु लेके अंगारवायु निकालेंगे फिर वो प्राणवायु बना देते हैं, चलता ही रहता है, इट्स ऑटोमोट सिस्टम, बट इट इज अ साइंस। इसमें मेकर की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक सर्कमटांशियल एविडेंस, चलता ही रहता है। ऐसे ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य का जीवन भी मन वचन काया का वो ऑटो मोड से चलता है। क्या है? ऑटो मोड। मगर ऑटो मोड का सेटिंग किसने किया? तो प्रीवियस बर्थ में कोडवर्ड के रूप में सेटिंग किया है,
जिसको कहते हैं कॉज, क्या कहते हैं कॉज। फिर इफेक्ट के रूप में जो भुगतान आती है वो सफरिंग है। अभी इसके अंदर साइंस क्या है, ये बॉडी सफरिंग करती नहीं है, आप समझो पहले। ये मैं आपको साइंस दिखाना चाहता हूं, बॉडी को सफरिंग नहीं है, बॉडी के थ्रू ईगो को सफरिंग है, क्योंकि क्रिएशन उन्होंने किया था इन अ प्रीवियस बर्थ, वो कॉज के रूप में था, अभी इफेक्ट के रूप में है। और बॉडी इज अ इंस्ट्रूमेंट, जो शरीर है वो साधन है जो कुदरत ने बनाया है, कुदरत चलाते हैं और कुदरत ही इसको डिस्ट्रॉय करती है, ये साधन की बात है। तो कुदरत का काम ये इंस्ट्रूमेंट देना है, इसको मेंटेन करना है, जीवित रखना है, जहां तक आपको कर्म की भुगतान है। तो ये तो साधन है, और साधन कुदरत इसका मालिक है, चलाने वाला भी कुदरत है, इसमें हमारी कोई आइडेंटिटी और ऑपरेशन भी नहीं है। मगर ये माध्यम से जो कर्मों की भुगतान आती है, मनी मटेरियल, इंसान कहो, इंस्ट्रूमेंट कहो, जिससे हमको सुख दुख फील होता है, बस वो हमारा कर्म फल है। मगर थ्रू दिस माध्यम, एयर कंडीशन मशीन है, ठीक है, वो सुख दुख देता है, मगर एयर कंडीशन गर्मी में बाहर से आए, चालू किया, कूलिंग हो गया, वी फील रिलैक्स, तो ये हमारा पुण्य है, हमने साता वेदनीय का अनुभव किया। तो थ्रू द बॉडी हम फील करते हैं, मगर फील करने वाली बॉडी नहीं है, फीलिंग को अनुभव करने वाला है आपका डिस्चार्ज ईगो, जो लेके आया है सुख के भुगतान का पुण्य, यानी साता वेदनीय का कर्म लेके आया है। तो उसकी अनुभूति थ्रू इंस्ट्रूमेंट एंड थ्रू बॉडी होती है। बॉडी का काम सुख दुख को फील करना नहीं है, सुख दुख के माध्यम से ईगो फील करता है। कौन करता है? अहंकार। उनको पैसा देंगे तो इनको फील क्या होगा, ये पैसा मेरा है, ठीक है, वही पैसा तिजोरी में है तो तिजोरी फील नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास ईगो नहीं है, सोल नहीं है। तो ये इंस्ट्रूमेंट को समझना है, इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट इज क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत ने बनाया है, उनकी डिजाइन भी कुदरत ने बनाई है, सबकी डिजाइन एक ही है, पूरे वर्ल्ड में जाओ सबकी फिजिकल डिजाइन क्या है, एक ही है, तभी डॉक्टर पूरे दुनिया में चलता है, यस और नो? अगर डिजाइन अलग अलग होती तो इंडिया के डॉक्टर अलग, पाकिस्तान के अलग, अमेरिका के अलग, क्योंकि सबकी डिजाइन क्या है, अलग अलग है। मगर ऐसा यहाँ का डॉक्टर अमेरिका में चलेगा, अमेरिका का डॉक्टर, क्योंकि डिजाइन सिस्टम एक ही है। तो ये डिजाइन एक है, क्योंकि क्रिएटेड बाय द नेचर, ह्यूमन एक नहीं बना सकता है, सबकी बुद्धि क्या है, अलग, तो डिजाइन कैसे बनाएगा अलग। अगर वो बनाने वाला है तो, मगर ऐसा नहीं है। तो द बॉडी की डिजाइन कुदरत ने बनाई, फिर फिजिकल स्ट्रक्चर किसने बनाया, वो भी कुदरत ने बनाया, कैसे, विद द हेल्प ऑफ फाइव एलिमेंट्स, पांच तत्व, पृथ्वी पानी वायु अग्नि और आकाश, जिसका एक नाम है पंच महाभूत, ये भी कुदरत का है, कुदरत का ही है ना। ये बॉडी तो बना दिया, अभी उसको जीवित तो रखनी पड़ेगी ना, ये मशीन तो बन गया, मगर जीवित रखने के लिए इसको हवा पानी खुराक चाहिए, वो भी कौन देगा, कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ इसका, ये भी कुदरत देता है। इसके आगे जाओगे तो ये कुदरत ने ये बॉडी क्यों बनाया और क्यों दिया हमको,
हम तो शरीर नहीं है, हम तो शुद्धात्मा है, ये मशीन क्यों दिया हमको? कुत कुदरत ने कहा ये मशीन तुमको कर्मों की भुगतान के लिए दिया है, क्योंकि तुम्हारा कर्म मानवता वाला है, ह्यूमैनिटी, तो आपको ह्यूमन का बॉडी दिया। अगर पास भी कर्म होता है तो पशु योनि का बॉडी देते हैं, राक्षसी कर्म होते तो नरक गति का बॉडी देते, और दैवी कर्म होते तो देवलोक का बॉडी देते, मगर वो कर्मों के ऊपर डिपेंड है, आपका खुद का डिसीजन नहीं है। कुदरत डिसाइड करेगी उनको कौन सा बॉडी देना है, कहाँ देना है। तो फिर कुदरत ने कहा कि ये बॉडी आपको कर्म के भुगतान के लिए दिया है। फिर प्रश्न करेगा इंसान, भी कर्म तो मैंने अभी किया नहीं है, वो तो पिछले अवतार में किया है, वो तो हमको मालूम नहीं है। तो कुदरत है, तुमको मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल देने वाले और संजोग देने वाले भी हम है। जो भी सुख दुख आएगा इनका संजोग कौन क्रिएट करेगा? कुदरत। लॉटरी लगने वाली है तो भी कुदरत संजोग क्रिएट करेंगी, और लॉस होने वाला है तो भी कुदरत करेगी। द नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग, वी आर नॉट क्रिएटर, वी आर सफरर थ्रू दिस बॉडी। तो फिर कुदरत, फिर आगे प्रश्न होता है, तो फिर ये बॉडी बनाया कुदरत संजोग देते हैं कर्मों के भुगतान का, जो पिछले अवतार में किया है वो हमको नहीं मालूम, उनको मालूम है। क्यों भी उनको मालूम है? क्योंकि रिजल्ट इसको देना है। किसको देना है? आप समझे ना, तो कुदरत को देना है रिजल्ट। तो इसीलिए उनको मालूम होना चाहिए कि आपने किस प्रकार से कर्म किए थे और इनका फल क्या होना चाहिए। एंड वी क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस, हम क्रिएट नहीं करते, हम तो सफर हैं। फिर कहेंगे तो फिर ये बॉडी का अंत कैसे होगा? तो बोला श्वास बंद होगा तब अंत हो जाएगा। तो बोला श्वास हमको बंद करना है, तो कह नहीं, चालू भी कुदरत ने किया था, बंद भी कुदरत ही करेगी। तो भगवान, इंसान जिंदा है उसका प्रूफ क्या है? तो कि उसका श्वास चलता है। क्या है? श्वास, वो जिंदा है। भगवान को तो पानी पीता है, खुराक खाता है, ये सब संपत्ति भी उसकी है, उससे जीवित नहीं है? तो क्या नहीं, ये तो मर जाएगा तब भी तो पानी भी रहेगा, लोही भी रहेगा अंदर, ठीक है, ये संपत्ति भी रहेगी, मगर हवा बंद हो गई तो लाइफ यार बॉडी जो है इसकी लाइवनेस एयर के आधार से है। किसके आधार से? और फूड है वो फिजिकल मेंटेन करने के लिए है, वो जीवित रखने के लिए नहीं है। जैसा काम वैसा खाना होता है, और काम से ज्यादा खाना खाओगे तो शरीर क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा, मगर मर नहीं सकते। आपका आयुष्य कर्म है, वहां तक सोते सोते भी जीना पड़ेगा क्योंकि आयुष्य कर्म है आपका। ऐसा मरना आसान नहीं है और जीना भी कर्म इसको तो कहते हैं, न जीना आसान है न मरना आसान है, यही तो कर्म है। इसमें चॉइस नहीं है। क्या नहीं है? कृष्ण भगवान के पास भी चॉइस नहीं थी, वो जेल में पैदा हुए, चॉइस थी उनके माता पिता जेल में। किसी को कहेंगे कि ये बच्चा तो जेल में पैदा हुआ तो लोग क्या कहेंगे? जाने दो, इसके साथ व्यवहार नहीं करना है, उनका माता पिता ही जेल में है तो वो कैसा होगा? लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। तो कृष्ण भगवान तो जेल में पैदा हुए, पैदा होने के बाद दूसरे माँ बाप के घर पे उसको रहना पड़ा कृष्ण भगवान को, और इसके बाद उनका कलर काला श्याम, जिसके साथ प्रेम था उसके साथ शादी नहीं हुई। नहीं समझ में आया, सही गलत है? प्रेम किसके साथ था? राधा, उनके साथ शादी? राधे कृष्ण होता है, कृष्ण भगवान की वाइफ का नाम नहीं है, राम कृष्ण वाइफ का नाम है, राधे वो वाइफ का नाम नहीं। अब समझे, देखो इतिहास देखो कैसा है। फिर दुर्योधन इसका मानता है नहीं, इंसल्ट कर देता है कि तुम तो पक्षपाती हो पांडवों के। तो कहने का मतलब यह है, हर व्यक्तियों को अपने कर्मों की भुगतान करनी पड़ती है,
चॉइस नहीं है, समर्थ हो सकते हैं मगर स्वतंत्र नहीं। समर्थ हो सकते हैं, मायूब भी समर्थ है, स्वतंत्र नहीं। कान में किला लगाना पड़ा, कोई चॉइस नहीं, नहीं है। राम की भी सीता उठा के ले गए, कोई चॉइस थी नहीं। वनवास जाना पड़ा, कोई मिस्टेक नहीं अभी की, मगर कर्मों के फल में चॉइस नहीं होती है। यू हैव टू फॉलो। नहीं मानोगे तो भी फॉलो तो करना है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं जीवन में जो भी संजोग आए, जैसा भी आए, अगर आपको हैप्पी रहना है, हैप्पी का मतलब होता है संजोगों की असर से मुक्त रहना, उसका नाम हैप्पी है। हैप्पी का मतलब हम जो सुख मानते हैं वो नहीं, संजोगों की असर से मुक्त रहना है। तो जो भी संजोग आते हैं, इस शरीर को पसंद है या नहीं है, मन को पसंद है या नहीं है, बुद्धि को पसंद है या नहीं है, एक्सेप्ट एज इट इज विदाउट कंप्लेन एंड क्वेश्चन, तो आपकी पूरी जिंदगी हैप्पीनेस में जाएंगे। और वो हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंड ऑन सरकमस्टेंसेस, वो आपका खुद का ज्ञान और दर्शन होगा। क्या होगा? खुद का ज्ञान होगा, खुद का, और किसी का नहीं। वो ज्ञान दर्शन ही हमारी कैपिटल है। क्या है कैपिटल? संजोगों के आधार से मिला हुआ ज्ञान वो कैपिटल नहीं है, उसका उपयोग और अनुभव ही हमारी कैपिटल है। ज्ञान कहीं से भी पाओ वो परमानेंट नहीं हो सकता है। जो हमने पाया है, इसके बाद उपयोग किया है, इसके बाद अनुभव किया है, इतना ही हमारा है। अनुभव ही हमारा है, पाया हुआ हमारा नहीं है। बस, तो हम ज्ञान प्राप्त किया उसकी मस्ती में जीने की जरूरत नहीं है, इतना डाइजेस्ट कर सके, दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट। इसका ही महत्व है, कितना पाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं वो। जितना आप ज्ञान अनुभव के रूप में डाइजेस्ट करोगे, कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ इन टर्म्स ऑफ योर डेवलपमेंट के रूप में नेक्स्ट बर्थ में तैयार आएगा। छोटा बच्चा ही तुरंत समझ जाता है, और बूढ़े होते तो भी नहीं समझते हैं, डेवलपमेंट नहीं है। क्या रही है? तो इतना डिफरेंस हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये पूरी जो हमारी लाइफ है, ये मशीन वो मीडिया है, भुगतान वो संजोग है। मशीन भी कुदरत का, संजोग भी कुदरत का, और जो व्यक्ति मिलती है वो राग द्वेष वाली मिलती है, और साधन मिलता है वो सुख दुख के भुगतान के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? साधन राग द्वेष से नहीं मिलते हैं, सुख दुख के भुगतान के लिए। पुण्य होता है तो सुविधा मिलेगी, पाप होगा तो सुविधा, और व्यक्ति मिलती है वो इंडिविजुअल राग द्वेष है, और साधन मिलते हैं, सुविधा मिलती है वो पाप पुण्य है। और प्रतिष्ठित आत्मा है डिस्चार्ज, वो उनके साथ सफल इनके लिए जुड़ा हुआ है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। और जब चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, ये पूरा पैकेज है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, स्पीच एक्शन एंड बाहर के संयोग, ये पूरे पैकेज से अगर वो सेपरेट रहता है, यही उसका रियल परमानेंट हैप्पीनेस, जिसमें रिलेटिव आता ही नहीं है, जिसमें न शब्द ज्ञान है न क्रिया का ज्ञान है, सिर्फ सेपरेशन। यही तो बात है। शादी का मतलब क्या है? बंधन। क्या है? हम इसको मुक्ति मानते हैं, सुख मानते हैं, मगर है क्या है? बॉन्डेज, यस और नो। फिर बच्चा नहीं होता है तो बोला हम बहुत नाखुश हैं, मगर वो बंधन है। होगा तब मालूम होगा, पहले मोह होता है कि नहीं है नहीं है, होगा तो मालूम होता है, तो बंधन है। यानी हर चीज को मोह के वश हमको अच्छा लगता है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो बोला ये तो बंधन है। बंधन का मतलब होता है बॉन्डेजेस। तो क्योंकि अज्ञानता है ना, तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं मुक्त रहो। भाई किससे मुक्त रहेंगे हम? तो ज्ञानी कहता है आप मन वचन काया से मुक्त रहो,
तो दुनिया से मुक्त है। फिर कहेंगे भी मैं मन से कैसे मुक्त रहूं, तो बोला मन तो जो है वो मैकेनिकल है, आपका नहीं है, वो पिछले अवतार का है, अभी तो उकल रहा है, मगर आप इसको लाइव मानते हैं, बस ये आपकी अज्ञानता है। ये उनको अच्छा लगा, इनको बुरा लगा, आपसे क्या मतलब है? वो बिलीफ है उनकी, क्या है जो शादी करते समय जो वाइफ या हस्बैंड अच्छा लगता है, बाद में अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वो बिलीफ लेके आया, तो अच्छा लगना ही चाहिए तभी तो शादी होगी, बाद में मालूम होता है। फिर ब्रेन यूज करते हैं तो कहते हैं ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, फिर बुद्धि जाएगी बीच में, मगर पहले तो कॉन्ट्रैक्ट किया है पिछले अवतार का, तो पूरा करना ही पड़ेगा, इसमें चॉइस नहीं। फिर बाद में वो सोचते हैं कि ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, तो क्योंकि क्योंकि ये पात्र जो मिला है वो पिछले अवतार के कर्म से मिला है। आज की चॉइस, आज तो सिर्फ आपने जो सिग्नेचर किया था वो रीसिग्नेचर कर दिया। क्या कर दिया? पिछले अवतार में सिग्नेचर किया था कि ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, वो सिग्नेचर कुदरत ने टैली करवा दिया। क्या करवा दिया? कि तुमने सिग्नेचर किया था वही है, व्यक्ति नहीं, आत्मा और कर्म दोनों एक ही है, और वो भी कर्म के भुगतान के आधार से बॉडी नया मिला, आपको भी कर्म के भुगतान के आधार से बॉडी नया मिला, मगर हिसाब वही का वही रहा, और वो भी हिसाब पिछले अवतार का, ये अवतार का नहीं, और ये अवतार में तो हिसाब निकलता है। अभी क्या होगा? 80 साल पहले हमने कॉज बनाए, 8 years before approximate। अभी ये कॉज की भुगतान आती है, भुगतान आती है तो शादी के समय तो कोई कंप्लेन नहीं होता है, क्योंकि बिलीफ के मुताबिक है, और वो बिलीफ भी लेके आए हैं, मगर जैसे जैसे लाइफ शुरू होती है तो दोनों की बिलीफ क्या है? अलग अलग है। एक बिलीफ का मतलब ये नहीं कि सर्व बिलीफ एक ही है, एक पति पत्नी के फॉर्म में बिलीफ होना एक अलग बात है, और पूरी लाइफ की सोच होना वो भी, वो सबकी अलग अलग है। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं तो फिर क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपकी एक बिलीफ तो कॉमन हो गई, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये तो आपने कन्फर्म कर दिया है, क्या कर दिया है? सबके सामने, तो वो बिलीफ में तकलीफ। मगर जब उसका नेचर आएगा, उनकी स्पीच आएगी, उनका एक्शन आएगा, तो फिर उसमें क्या होगा? कंप्लेन होती, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। क्या है? अलग। आपकी डिजाइन के मुताबिक वो पति नहीं बना है, और आपकी डिजाइन के मुताबिक वो पत्नी नहीं बनी है, दोनों की डिजाइन अलग है, सिर्फ एक ही कॉज कॉमन है, कॉमन, बाकी सब प्रकृति अलग है, और इसीलिए एडजस्ट होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एडजस्ट। एक ही कॉज कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है सबका। तो ये पूरा सृष्टि को देखेंगे तो मालूम होगा कि आखिर ये दुनिया में हम लोग जो फंसे हुए हैं वो न व्यक्ति से फंसे हुए हैं, न साधनों से फंसे हुए हैं, न संपत्ति से फंसे हुए हैं, न कोई कर्मों के भुगतान से फंसे हुए, क्योंकि वो भी कंपल्सरी फंसे हुए कहाँ? हमारा अज्ञान। कौन सा अज्ञान? सबसे पहला अज्ञान है अस्तित्व का, Who I am, मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ, वो पहला अज्ञान। आखिर मैं शरीर हूँ ही नहीं तो ये इसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पहला अज्ञान दूर करो, भी मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, पर शरीर तो कुदरती रचना है, चलाने वाला भी कुदरत है, अंत लाने वाला भी कुदरत है, संजोग देने वाला भी कुदरत है, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है, या सुन लो, कोई रोल ही नहीं है। नहीं समझ में आया? और रोल नहीं है फिर भी कहता हूं मेरा है, या तो मैं हूं, कुदरत कहते तेरा है भी नहीं और तू चलाता भी नहीं है। इट इज टोटली क्रिएटर, क्रिएटेड, ऑपरेटेड एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर। तुम्हारा कोई हक भी नहीं है, कोई पावर भी नहीं है, सिर्फ आपकी रॉन्ग बिलीफ है कि मैं शरीर हूं और शरीर को चलाने वाला हूं
और शरीर से भुगतान होती है वो मैं भुगतान करने वाला हूं, ऐसी रॉन्ग बिलीफ है बस। समझ में आया? दैट्स इट। इसमें फैक्ट कुछ नहीं है मगर रॉन्ग बिलीफ कितना काम करती है। इसीलिए तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया स्ट्रॉन्ग बिलीफ का। 20 साल की उम्र में शादी करो, सात फेरा घूमो, 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, या सुन लो, 20 साल की उम्र में सात फेरा फरो और 17 साल की जिम्मेदारी ले लो, इसका नाम तो बिलीफ है। और क्या है? और कुछ है? कुछ नहीं है। तो ये इसलिए मैंने कहा ये दुनिया में जो दिखता है सब रिलेटिव सत्य है, उसमें कोई सनातन सत्य कुछ भी नहीं है और नहीं उसका एग्जिस्टेंस परमानेंट है। हम खुद अज्ञानता से एक दूसरे से झगड़ जाते हैं, अज्ञानता से। वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है वैल्यू। मगर क्या करें, क्योंकि इंसान जैसा जैसा समझदार हुआ इनको मैक्सिमम फैसिलिटी चाहिए और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा नेसेसिटी में नहीं फैसिलिटी में चला गया। किस में चला गया? फैसिलिटी। पहले तो भाई जंगलों के अंदर थोड़ा झोपड़ा कच्चा बना दो, आप समझे ना, तो वास वास का लगा के बना दो, बस अंदर रहो, पानी पीना है तो पानी पियो, नदी का स्नान करना है पानी पीना है, जो कुछ करना है नदी किनारे करो और वनस्पति वो खाते रहो, तो ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है और इससे आपकी लाइफ भी चलती रहेगी, तो उसमें ज्यादा एक्सपेंस की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत भी नहीं है और खर्चा भी नहीं है और लाइफ चलती रहेगी। मगर जैसे जैसे हमने फैसिलिटी मांगना शुरू किया ऐसे ऐसे हमारे जीवन में जितनी कमाई करते हैं इसका 75 से प्लस पैसा फैसिलिटी में चला जाता है, मैक्सिमम 20% 25% नेसेसिटी में होता है। यस और नो? ये भी तो लेके आए हैं। ये भी तो लेके आए नहीं, लेके तो सब आए हैं, मगर आगे बढ़ने के लिए सच्चाई समझनी पड़ेगी कि नहीं, कि मिस्टेक कहाँ हुई है। ये परिणाम है वो 100% बात है, मगर आप जागेंगे तभी हम अपना बीच चेंज करेंगे ना। आज गलती को नहीं समझेंगे तो वही गलती कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे और भुगतान करते रहेंगे। यही जो गलती हो चुकी है इसके हम भुगतान कर रहे हैं, उसमें से तो सार लेना है। इसी को तो कहते हैं समय सार, आप समझे ना। अगर इसमें से लेसन नहीं लेंगे तो किसमें से लेंगे? ये तो प्रैक्टिकल है, इसमें से तो सार निकालना है ना। That's it. तो इसीलिए जब सार निकालते हैं तो मालूम होता है कि पूरा हमारा जीवन जो है वो ऑटो मोड है, उसमें कोई लाइफ जैसा नहीं है, सिर्फ कर्मों का क्या है? भुगतान है। और हम जो है वो इंटेक है, क्या है? हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारी शक्तियाँ, हमारा अस्तित्व, हमारा स्वभाव, सब इंटेक है, इससे इसको कुछ नहीं होता है, मगर सिर्फ रॉन्ग बिलीफ से ये सब कुछ भुगतान करनी पड़ेगी, सिर्फ। और सिर्फ भुगतान है, उसमें पाने का खोने का नहीं। तो कहने का मतलब हमको ये बातें इसीलिए डिस्क्राइब करता हूं कि आप समझो जन्म के मौत तक जो शरीर मिला है, जो संजोग मिला है, जो संबंध मिला है, जो संपत्ति मिला है, जो सत्ता मिली है, उसमें से न कुछ हमारा है और न कुछ हमारे साथ आएगा। यस और नो? यस। और इसको मेरा मेरा मान के राग व्यस करना
और राग द्वेष साथ में ले जाना, मगर व्यक्ति और साधन नहीं ले जाना। और यही अज्ञानता को हमको समझना पड़ेगा आज। समझ में आया? वो कौन सा कर्म है वो समझाएगा, कर्म कौन सा है? हैं? कर्म कौन सा है वो समझाएगा? कर्म कौन सा है? नहीं बोला ना जो अभी लेके आया उसका नाम क्या, कर्म का नाम, कर्म का नाम बोलो। वो हमारा लेके आए वो कर्म क्या है? वो कर्म जो लेके आए वो हमने जिस प्रकार से राग द्वेष किया है इसका ये फल है, इसको उदय कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदय कर्म। जैसे कॉज किया था इसका क्या है? इफेक्ट है। मगर ये ज्ञानी भगवंतों ने ये बताया कि ये माया की जाल है। क्या है? माया की जाल। और जाल में से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि वेराइटीज ऑफ जाल है। क्या है? वेराइटीज। अभी एक में से निकलेंगे दूसरे में फंसेंगे, दूसरे में से निकलेंगे तीसरे में से फंसेंगे। पहले तो दुनिया में व्यक्तियों की विविधता है, बहुत सारा ऑप्शन। फिर साधनों की विविधता, बहुत सारा ऑप्शन। खाने की विविधता, बहुत सारा ऑप्शन। कपड़ों की विविधता, बहुत सारा ऑप्शन है कि नहीं? तो ऐसा है कि चलो भी कपड़ा पहन लिया चलेगा? नहीं। अभी क्या है? पहले नेसेसिटी थी, अभी चॉइस हो गया, तो ऑप्शन बढ़ गया। तो ऑप्शन बढ़ गया तो हमारी वीकनेस बढ़ गई। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पहले नेसेसिटी थी, अभी चॉइस हो गया। ये सब समझो, कैसे हम वीक हुए? जो पावरफुल थे वीक क्यों बने? क्योंकि डिपेंडेंट बने। मैं इसका रूट बताना चाहता हूं। हम ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति या साधन के ऊपर डिपेंडेंट बने, वो ही हमारी वीकनेस है। रोटी कपड़ा मकान वीकनेस नहीं है। मैं इन व्यक्तियों के अलावा नहीं जी सकता हूं। ये खाना पीना कपड़ा लत्ता जो कुछ भी साधन है इसके बिना नहीं जी सकता हूं, ये हमारी वीकनेस है। हवा पानी खुराक वो वीकनेस, वो नेसेसिटी है। और मैंने कहा नेसेसिटी के लिए हम अपनी इनकम का 20% भी खर्च नहीं करते हैं, और फैसिलिटी के लिए 80%। जो पहले फैसिलिटीज नहीं थी तो वो खर्च नहीं, तो 20% में घर चलता था। और अगर 25 मिले तो हम खुश हो जाते थे, बहुत पैसा है, 5% सेविंग हो गया। हाँ तो 100% खर्च करते और 10% तो लोन बाकी रहती है। लाइफस्टाइल। तो ये ब्रॉड विजन से देखो कैसे हम फंस गए। मेरा कहने का मतलब होता है, मैं इतना सिंपल बताना चाहता हूं ये बात को, ताकि आपको समझ में आए गलती कहां हुई हमारी। नेसेसिटी वो गलती नहीं है। हवा पानी खुराक तो हर एनिमल को भी चाहिए, वो मिस्टेक नहीं है। फैसिलिटी बस वो हमारी मिस्टेक हो गई। चॉइस बदलते गए। आदमी को मालूम नहीं होता है कि मैं इस संसार के अंदर जो जी रहा हूं वो कुछ पाने के लिए जी रहा हूं कि कुछ खोने के लिए जी रहा हूं। अपने जीवन को अपने जीवन में से कुछ प्राप्त करने के लिए जी रहा हूं कि अपना जीवन बर्बाद करने के लिए जी रहा हूं, वो नहीं मालूम उसको। हर चीज के पीछे अपना जीवन बर्बाद होता है और वो मानता है मैं आबाद होता हूं। भव्य बंगला ले लिया 5 करोड़ का, और 2 करोड़ था, 3 करोड़ के लोन ले लिया। इसको पेमेंट करते 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 थक गए हम। हमने सोचा ये मकान से हमारी प्रगति होगी, मगर प्रगति नहीं हुई, क्योंकि ये फैसिलिटी है, नेसेसिटी नहीं। ये मकान लेना इतना काफी नहीं है, फिर इसको मेंटेन करो। इतनी साधन लगाओ घर के अंदर, टीवी, फ्रिज, डिशवॉशर, एसी, हीटर, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाओ फैसिलिटी के लिए, नेसेसिटी नहीं। अभी सब चीज आ गई, 50 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट घर पे आ गए 5 साल में, बारी बारी से। 5 साल के बाद आज इसको रिपेयरिंग कराओ, कल इसको कराओ, परसों इसको कराओ,
तो लाइफ हमने लाइफ हमारे लिए किया कि उसके लिए स्पेंड किया, वही समझ में नहीं आता है। यस और नो? पहले इसको प्राप्त करने के लिए स्पेंड करो, फिर चलाने के लिए स्पेंड, फिर मेंटेन करने के लिए स्पेंड करो। और कहता है मैं पहले फॉरेन में जाता था, 94 में पहली बार गया था, तब यंग लड़का लड़की था, तो क्या कहेंगे अंकल ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मिलो पहला वाइफ पर्सनल होती है, लाइफ पर्सनल होती है किसी की? तुम्हारी लाइफ तुम्हारे माता पिता के साथ जुड़ी है, भाई बहन के साथ जुड़ी है, पति पत्नी के साथ जुड़ी है, बच्चे के साथ जुड़ी है, पूरी परिवार के साथ, दोनों का परिवार के साथ जुड़ी है, समाज के साथ जुड़ी है, जॉब करता है वहाँ जुड़ी है, बिजनेस करता है जुड़ी है, नेबर के साथ जुड़ी है, फ्रेंड के साथ जुड़ी है, फिर भी कहता है पर्सनल लाइफ। इतने व्यक्तियों के साथ डील करने क्या बोलता है पर्सनल लाइफ में? इसको पर्सनल कहेंगे या पब्लिक कहेंगे? कोई समझ में नहीं आता है मेरे को। पर्सनल का मतलब जो व्यक्ति गुफा में रहती है तो पर्सनल बोल सकते हैं। इतने सारे डील करने के बाद होता है पर्सनल लाइफ में तो समझ में नहीं आता है। लोग बोलते हैं ना तो मेरे के दिमाग में खुला हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये पूरा पैकेज देखते ही तो मालूम होता है ये तो बंधन है। हर चीज के लिए समय गंवाना पड़ता है, और हमको जो सच्चा सुख पाना है, जो है इसका ही अनुभव करना है, उसके लिए टाइम नहीं है ना। बाहर से खत्म करेंगे तो अंदर जाएंगे ना। हर समय स्पेंड क्या होता है? समय बाहर के काम के लिए। अभी आंखें बंद करके अंदर कैसे बैठेंगे, अंदर कैसे जाखेंगे? और परमात्मा अंदर है, और सुख भी सनातन, शक्ति भी शाश्वत अंदर है, ज्ञान भी शाश्वत अंदर है, और बाकी जो सब बाहर है वो फेंक गए, और उसके लिए हम लाइफ स्पेंड करते हैं। एंड हम समझते हैं हम एंजॉय करते हैं, ये एंजॉय है या सफरिंग है? नहीं सोचो, ये एंजॉय है या सफरिंग है? तो भगवान ने तो भी ये बताया लाइफ इज सफरिंग। लाइफ को एक ही वर्ड बताया, लाइफ का मतलब ही सफरिंग, इसमें एंजॉयमेंट नहीं है। ये तो एंजॉयमेंट क्या है, दिन को जब काम करते हैं, बहुत काम करके थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं तो उसको लगता है हाँ फ्रेश हो गया, फिर दिन को लगता है कि भाई रात को तो सो गए अभी काम करो, फिर उसमें आनंद आता है, फिर रात को कहेंगे भी सोएंगे तो आनंद आएगा, दिन में कहेंगे काम करेंगे तो आनंद आएगा, ऐसे अपना जीवन खत्म हो जाता है। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर इंसान करना क्या चाहता है। Each and every human, they are confused. There is no goal, there is no destination. Just they live the life without destination. Goal ke bina goal aur bina dhyay apna jivan bitata hai. Phir kahenge 40, 50, 60 saal ke andar aapne kya paya? Bola abhi to kuch nahi paya hai, bas jo bhi paya hai isko maintain karte hai. Bibi, bachche, parivar, jo bhi hai, dono ka parivar hai. ये बिजनेस है, बस चलाते रहते हैं, रोटी कपड़ा मिलता है, जीवन चलता है अपना। तो फिर रोटी कपड़ा तो ऐसे भी मिलेगा आपको, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। मगर क्योंकि क्या करें, जिस प्रकार से उन्होंने फैलाया है अपने ही कर्मों से, बाद में वो फंस जाता है तो निकलना आसान नहीं है। तो मैं दृष्टि की बात करता हूँ, ये एग्जाम्पल दे के आपको दृष्टि देना चाहता हूँ कि दृष्टि में ऐसा होना चाहिए, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम आउटपुट। कम मेहनत में हम मैक्सिमम आउटपुट करें, मतलब कम पैसे से हमारा जीवन चले, और साधन भी कम, संबंधों भी कम, सत्ता भी कम, संपत्ति भी कम, नेसेसिटी नहीं है वो फैसिलिटीज है, आप समझे, नेसेसिटी का है। इसमें मेरे को कम मेहनत करनी पड़े, और आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट, जीवन जीने के लिए कोई तकलीफ नहीं होवे, इस प्रकार का जीवन होना चाहिए, कम इनकम में, कम मेहनत से, और बाकी का समय मैं खुद के लिए निकालूंगा, क्योंकि इसको तो जलाना ही है, बोलते नहीं है, इसको सजाओ, खिलाओ, पिलाओ,
फिर एक दिन तो जलाना ही है, यस और नो? तो ये हमारा अचीवमेंट है। अगर ये अचीवमेंट नहीं है तो उनके साथ जुड़े हुए सत्ता संपत्ति संबंध साधन वो अचीवमेंट है? दैट्स इट। थिंक अबाउट, सोचो हम किसके लिए जी रहे हैं, हमारा श्वास किसके लिए जी रहा है, फैसिलिटीज के लिए? फिर सोल को प्राप्त करना है, हाउ इट इज पॉसिबल? सोल का मैं शुद्धात्मा हूं वो जानने से अनुभव हो जाएगा। आपका कोई एफर्ट ही नहीं है, कोई प्रयास भी नहीं है। हमको मालूम है पैसा कमाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, सच झूठ बोलना पड़ता है, सिर्फ पैसे के लिए। वो किसके लिए? इसको व्यवहार चलाने के लिए। ठीक है, तो इसको अनुभव करने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा? मगर हम अपना टाइम देते ही नहीं इसके लिए, सोचते भी नहीं है। बोला हमने तो ज्ञान ले लिया, हम तो शुद्धात्मा हो गए, ये किसी के बनाने से होगा या किसी के देने से होगा? ये देने लेने की बात है, हम खुद है इसका अनुभव, हमको ही करना पड़ेगा कि दूसरा कर सकते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि जो टाइम था वो स्पेंड कर दिया नेसेसिटी एंड फैसिलिटी। या सर नो, अभी कहेंगे मैं क्या करूं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, इसलिए टाइम नहीं है। हमने कहा ये टाइम का अलॉटमेंट किसने किया, किसने किया ये टाइम का अलॉटमेंट किसने किया? खुद ने किया। कैसे किया? पैसे लेने के लिए। कब? लाइक्स। कब किया था? क्लासेस। प्रीवियस बर्थ में। अभी ये बर्थ में तो रिजल्ट है, यू हैव टू फॉलो, मगर अभी कंक्लूजन तो निकालो। भले गलती हो गई, भुगतान करने के लिए तैयार है, मगर ये भुगतान बार बार करे ये तो मैडनेस है ना। गलती हो गई, गुजराती में क्या कहते हैं, जाग्या तारथी सवार, आप समझे ना? तो जो हो गया वो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और इसकी तो भुगतान कंपलसरी है, मगर अभी तो जाग सकते हैं कि नहीं? मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये नहीं कि आपने क्यों गलती किया, क्यों ऐसा जीवन जीतो, ये प्रश्न नहीं है। इसमें से सार निकाल के कैसा जीवन जीना चाहिए जिसके लिए मैं खुद की पहचान कर सकूं, खुद की ही शक्ति का अनुभव कर सकूं, और मैं भीख और भय से मुक्त बनूं, इतना तो भाव कर सकते हैं ना? मेरा प्रश्न ये है, अभी का जीवन ऐसा क्यों है वो मेरा प्रश्न नहीं, उसमें से सार तो निकालो। आखिर ये जीवन से मैं क्या पाऊंगा? कम से कम मैं बीज बदलूंगा तो फल तो ऐसा आएगा, अभी तो फल आएगा तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मगर बीज में तो कर सकता हूं ना, आप समझे ना? एग्जाम में तो मैं जो भी लिखना है वो लिख सकता हूं ना, रिजल्ट में नहीं कर सकता हूं। तो इसमें से सार निकाल के हमको एग्जाम बदलनी है, रिजल्ट नहीं, आप समझे ना? बस इसके लिए ये साइंस है, एग्जाम बदलने के लिए। रिजल्ट तो कुछ नहीं चेंज होगा, जो एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट तो आएगा, मगर नई एग्जाम में ऐसा चाहिए जो हमारा गोल है, जो हमारा डेस्टिनी है, आप समझे? तो वो तो कर आज करोगे तभी होगा ना। लोग क्या कहेंगे भी कल किसने देखा, जो होने वाला है होगा, भी आज का बीच का ही तो कल फल होता है। आज आप जीवित है तभी तो सुबह उठ पाते हैं ना, और नए नए जन्म थोड़ा होता है, जन्म तो एक ही बार होता है, लाइफ होती है लंबी, जन्म तो एक ही बार होगा ना। सवेरा और शाम वो नया नया होता है, हम तो वही के वही है ना। तो ये समझना है कि जीवन में जो गलती करते हैं बीच के अंदर, इनकी भुगतान पूरी लाइफ में भुगतनी पड़ती है, और सच्चाई हमको मालूम ही नहीं होती है। लोग सामाजिक जीवन में या धार्मिक जीवन में फंस गए हैं, दोनों प्रकार, सामाजिक और धार्मिक, दोनों जीवन में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि द ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, और इसीलिए पहले तो समाज आता है,
तो समाज में तो रहना है, तो सामाजिक व्यवहार जो करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात आएगी धर्म, अगर हम इंसान हैं तो कोई धर्म को तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तो धर्म तो फॉर्मेट है, क्या है फॉर्मेट, हर धर्म फॉर्मेट है। आपको एक फॉर्म पसंद नहीं है, दूसरा फॉर्मेट फॉलो करो, वो पसंद नहीं तीसरा फॉर्मेट फॉलो करो, मगर फॉर्मेट को फॉलो करना इसका नाम है धर्म। फॉर्मेट का मतलब क्या है, एक भगवान का टाइटल, एक गुरु का टाइटल, एक मंदिर का टाइटल, एक मंत्र का टाइटल, किताबों का टाइटल, फिर डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स का टाइटल, रिचुअल्स का टाइटल और संस्था का टाइटल, ये क्या हो गया फॉर्मेट। वो हर धर्म में क्या है सेम है, टाइटल चेंज होता है मगर फॉर्मेट सेम, यस और नो। और फॉर्मेट में साइंस नहीं है और साइंस में फॉर्मेट कि तो देखो कितनी दुविधा है, जो फॉर्मेट है उसमें फॉर्मालिटी है, साइंस नहीं है और साइंस में उसमें फॉर्मेट नहीं है क्योंकि फॉर्मालिटी नहीं है। देखो ये ब्रॉड विजन से आपको देखना पड़ेगा, छोटी दृष्टि नहीं चलेगी, यू टू सी विद ब्रॉड विजन। और इसको हम मानते हैं मुक्ति का मार्ग, आप समझे। तो एक दिन तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा ना, सांप्रदायिक सत्य, धार्मिक सत्य, सामाजिक सत्य से तो हम जी रहे हैं, उससे क्या ऊपर उठना नहीं पड़ेगा। अगर सनातन सत्य समझना है तो यह सुनो, ये सत्य से सांप्रदायिक सत्य, सामाजिक सत्य या धार्मिक सत्य से सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा। समझ में आया, इससे ऊपर उठना पड़ेगा आपकी सोच से, सामाजिक और धार्मिक से आपकी सोच कहाँ ले जाना है तभी मालूम होगा। और वो ऊपर ले जाने का मतलब होता है ये पूरी जो सृष्टि है कैसे चलती है वो समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल के फॉर्म में, कैसा व्यवहार के फॉर्म में नहीं, धार्मिक फॉर्म में नहीं, सिद्धांत के फॉर्म। तो ये सिद्धांत को समझना पड़ेगा, और सिद्धांत को कहते हैं कौन सा सिद्धांत, लॉ ऑफ नेचर, जो सबके लिए एक है और उससे ही पूरी दुनिया चलती, इससे बाहर दुनिया तो वो नहीं जानोगे वहां तक वास्तविकता समझ में। और वही अज्ञानता है, पाप पुण्य वो अज्ञानता नहीं, तो उसके अंदर सेमी कॉलम में आ गया, वास्तविकता नहीं समझते वही अज्ञानता है, पुण्य भी अज्ञानता है पाप भी अज्ञानता है, बिकॉज यू डोंट नो द फैक्ट। समझ में आया कि नहीं, बाकी सुख दुख तो बिलीफ है, क्या है और पाप पुण्य वो भुगतान है। समझ में आया, पाप पुण्य वो भुगतान है और सुख दुख बिलीफ है, पाप पुण्य कैसे भुगतान करते हैं, जैसे गरीब को 5 रुपया दिया तो उसके लिए पुण्य है, और कोई BMW में से नीचे होता है उसको 5 रुपया दिया तो उसके लिए इंसल्ट है, क्योंकि बिलीफ है ना, यस और नो, इट इज रियल हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, नो इट्स ओनली 5 रुपया में वो सुखी नहीं होता है और 5 रुपया से वो दुखी नहीं होता है, मगर बिलीफ है, तो बिलीफ इज कनेक्टेड विथ योर सफरिंग, नॉट एक्चुअल सुख एंड दुख, you understand, only belief। कहीं लोगों की शादी नहीं होती है इसलिए दुखी है, और ज्यादातर लोग शादी होने के बाद दुखी होते हैं। अभी किसको सुख कहेंगे किसको दुख, बिलीफ तो है, कई लोगों को है उसका सुख है, कई लोगों को नहीं है उसका दुख है, सब अपना अपना क्या है बिलीफ, ये दुनिया जो चलती है सिर्फ बिलीफ है, फैक्ट कुछ नहीं है, और बिलीफ के साथ हम जुड़ गए तो बिलीफ लाइव हो गई, अगर हम नहीं है तो बिलीफ अपने आप कैसे लाइव हो सकती है, क्योंकि भुगतान करने वाले तो जीवित चाहिए ना, अगर वो ही बिलीफ को नहीं मानते बिलीफ कैसे काम करेगी, नहीं
बिलीफ में पावर किसका है? हमारा है, क्योंकि हमने बिलीफ को राइट माना है, हालांकि है रॉन्ग, मगर हमने क्या माना? बस वो हमारी गलती हो गई। हमने समझा कि पैसे में से ही सुख मिलता है, बस वो हमारी बिलीफ हो गई। तो पैसा नहीं है तुम दुखी है, यही मानेंगे ना, बात यही हुई ना। हर बात में देखो बिलीफ हमारी है और बिलीफ ही गलत है। कुदरत कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, बंगला मोटर गाड़ी सब कुछ है, मैं हवा पानी खुराक बंद कर दूंगा तो बोला नहीं, वो जरूरी है, फिर बिलीफ चेंज हो गई। तो कहने का मतलब है, जब जब आपको जीवन जीने के लिए नेसेसिटी प्रोवाइड कुदरत करती है, सबको करती है, नॉट ओनली ह्यूमन, एनिमल को भी वही करती है, तो कोई तकलीफ नहीं है। और अज्ञानता से फैसिलिटीज इतनी बढ़ा दिया, आप खुद को ही भूल गए और सुख कहाँ है वो ही भूल गए और बंधन को सुख मानने लगे। ये बंधन है, सुख नहीं है, ये बंधन बॉन्डेजेस, और इसको हम सुख, बस ये हमारी गलती हो गई, रॉन्ग बिलीव। हर बात में सोचो ब्रॉड विजन से, शॉर्ट विजन से नहीं। लाइफ इज सफरिंग, सफरिंग का हमने दो पार्ट बनाया, सुख और दुख बना, पाप और पुण्य वाला, मगर है तो एक ही, यू हैव टू सफर, यू हैव टू, दैट्स इट। तो इसमें से जो सफरिंग है इसमें हैप्पीनेस कहां होगी? ओनली योर रॉन्ग बिलीफ। सफरिंग का मतलब ही है, गुजराती में, हिंदी में कहेंगे भुगतान, गुजराती में है भोगवूज पर से, तो इसमें हैप्पीनेस कहां रहेगी? नहीं, देखो बिलीफ कैसी होती है। जब कोई आदमी 6 महीने घर में रहते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंटाल जाते हैं, बहुत किया, बहुत कुछ काम किया, इसके अंदर ही लपेटते रह गए, नौकरी में, धंधा में या घर के काम में, फिर 6 महीना या 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद बाहर घूमने के लिए जाए, वो बाहर निकल जाते हैं, कोई धार्मिक स्थल कहो क्या, कोई पिकनिक प्लेस कहो, वो निकल जाते हैं रिलैक्स होने के लिए, किसके लिए? फिर वो जाते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन, फिर कहते अभी घर चलो। क्या कहेंगे? अभी घर चलो। तो फिर घर पर वापिस आते हैं, फिर घर पे आएंगे, फिर कहते हास, अभी हास हुआ, तो पहले तो घर पे ही थे। साइकोलॉजी, फैक्ट कुछ भी नहीं है, खाली साइकोलॉजी। नहीं, ये सब बातें आप ऑब्जर्व करो कि ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, उसमें कुछ फैक्ट है या फ्रिक्शन है? ओनली बिलीफ है। तो बिलीफ को तो मिटा सकते हैं, अवस्था को नहीं मिटा सकते, बिलीफ को तो मिटा सकते हैं, क्योंकि बिलीफ ही अज्ञान है, अवस्था अज्ञान नहीं है, अवस्था तो कर्म फल है, फल को परिवर्तन करने की बात नहीं है। हम बिलीफ को तो समझ सकते हैं और इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, नॉट कैन फॉरवर्डिंग नेक्स्ट, इतना तो कर सकते हैं, दैट्स इट। बिलीफ को तो हम इरेज कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं, दैट्स इट। ये इसके लिए बात करता हूँ, अभी वर्तमान जीवन को बदलने के लिए नहीं कुछ कहता हूँ मैं, इसमें से सार निकाल के एग्जाम में ध्यान दो। एग्जाम इज योर टुडे लाइफ, रिजल्ट इज योर प्रीवियस बर्थ लाइफ, बिकॉज उसमें चॉइस नहीं, इसमें चॉइस है। जहाँ आपके पास फ्रीडम है इसी को लाइफ कहेंगे, जहाँ फ्रीडम नहीं है वो लाइफ कहाँ कहेंगे, वो तो मशीन है, इस फिक्स प्रिपेयर ड्रामा, जिसमें चॉइस इसको लाइफ कैसे कहेंगे? जहाँ आपके पास चॉइस है वो लाइफ है। तो आज जो आप एग्जाम दे रहे हैं, दैट्स योर लाइव लाइफ, नेक्स्ट बर्थ में ये मैकेनिकल हो जाएगी, वो लाइफ नहीं है, वो सफरिंग है, वो क्या है? सफरिंग। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। यस, अभी प्रश्न करना है तो करो स्वामी जी। यस,
अपना जो मतलब जो सफरिंग है अपनी फैसिलिटी के लिए हम लोग ज्यादा करते 80% पैसा वो जो भी रहता है वो लोग स्पेंड करते हैं, तो ऐसा वो सत्य है कि अपना जो फैसिलिटी 80% के बदले हम लोग ये सब समझने के बाद फैसिलिटी अपना 80% का 40% 50% या 30% कर सकते है कि नहीं कर सकते है? क्या फैसिलिटी के लिए पैसा जो स्पेंड करना है वो रिलेटिव सत्य है। ओके हमारे पास रियल में एक ही पावर है, टू चेंज योर बिलीफ, टू चेंज योर विजन। रिलेटिव में बोल सकते हैं क्या आप पैसा कम कर सकते हैं, वो सब रिलेटिव होते हैं। नो बड़ी है इंडिपेंडेंट पावर टू डू एनीथिंग थ्रू योर माइंड स्पीच एंड एक्शन, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। व्यवहार से बोल सकते हैं, धर्म से बोल सकते हैं, जो भी रिलेटिव बोलना है बोल सकते हैं। फैक्ट नहीं है फिर मैं कहूँगा, फिर किसी से होगा किसी से नहीं होगा, तो बोला आप तो आपने तो कहा मगर मेरे से होता नहीं है, मगर मेरे को मालूम है आपके पास पावर्स है ही नहीं। तो प्रिंसिपल को फॉलो करो कि मान वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो कुदरती रचना को चेंज करने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि साइंस की बात करते हैं। धर्म की बात करेंगे तो कहेंगे चेंज करो, सामाजिक बात करेंगे तो कहेंगे चेंज करो, क्योंकि वो तो उसके ऊपर आधारित है, मगर साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस इज ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल साइंस इज ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल भी किसका है, लॉ ऑफ नेचर। तो बाकी रिलेटिव सत्य की बात करने से कोई फायदा नहीं है। आप समझे निश्चय से कुछ फर्क पड़ता है कि निश्चय जो रहता है हमारा, तो बोलते हैं ना कि सत्संग के लिए निश्चय चाहिए, कुछ भी करने के लिए हमारा निश्चय पक्का चाहिए, तो वो निश्चय और बीच मतलब कि व्यवहार उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चय तो ठीक है, आज के फर्क के लिए आज के लिए कुछ फर्क नहीं, आज में नहीं, बीच में फर्क होता है रिजल्ट में। आप निश्चय करो, निश्चय करो, भाव करो, वो बीच में फर्क होगा रिजल्ट, वो तो रिलेटिव सत्य है। अब भाव करोगे तो होगा, वो रिलेटिव सत्य है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो साइंस नहीं है, इट्स अ रिलेटिव ट्रुथ। आप समझो, मगर ये इसीलिए मैंने कहा कि ये साइंस और व्यवहार सत्य को जोड़ने से साइंस को खत्म कर दिया। इन पीपल दे आर ऑलवेज इन कन्फ्यूजन, किसी को मालूम ही नहीं है कि आखिर रियली स्पीकिंग हमारे पास फ्रीडम कहाँ है और कहाँ नहीं है, और इसी से लोग उलझन में है। क्या है बस, और क्या करें, विजन देने वाला भी रिलेटिव सत्य की बात करते हैं, क्या करोगे, आपके पास तो वही आएगा। मतलब निश्चय से कुछ भी ईगो में फर्क नहीं होने वाला, आपकी दृष्टि परिवर्तन हो सकती है, भाव परिवर्तन हो सकता है, और मन वचन काया से आप मुक्त रह सकते हैं, वो हो सकता है, मगर मन वचन काया और उसकी अवस्था को परिवर्तन कर सकते हो नहीं कर सकते, अलिप्त रह सकते हैं। अलिप्त रहना वो बड़ी बात है ना, असरों से मुक्त वो रह सकते हैं, मगर इसको चेंज नहीं कर सकते। हमने निश्चय किया कि आज एकदम संभव में रहे, कुछ भी निश्चय तो होता है, लेकिन वो नहीं आता है तो और भी कंफ्यूजन और पजल चालू हो जाता है। वो रिलेटिव सत्य है, आंतरिक में आप कोई भी पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाहर का पुरुषार्थ आपके हाथ में नहीं, आंतरिक कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं। अंदर भाव कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं, कर सकते हैं, मन वचन काया से मुक्त रह सकते हैं, विज्ञान का दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं, मगर मन वचन काया को टच करना, इसको मोड़ना, मन के स्पीच के और क्रिया के संयोग को मोड़ना, वो फ्रीडम कुदरत ने किसी को नहीं दिया है, नहीं तो राम को वनवास जाना ही नहीं पड़ेगा, उन्हें चेंज कर देते हैं, वो शनि मंगल गुरु की बेटी पहन के नहीं चेंज कर देते ऐसा होता है सब भ्रांति ये लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन के लिए बिजनेस के लिए सब भ्रांति पैदा कर दी और लोग मानने लगे। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, क्या करेंगे, जितनी कमजोरी ज़्यादा इतना बिजनेस ज़्यादा चलता है, इतना बिजनेस का क्या कहते हैं, बिजनेस का प्रकार भी ज़्यादा होता है, जितनी हमारे कमजोरी ज़्यादा इतने बिजनेस के प्रकार भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि लोग डिमांड है तो सप्लायर तो मिलने चाहिए ना, लोगों को एक का डबल करना है तो सप्लाई भी तो मिलना चाहिए,
लोगों को रातों रात लखपति मिलना है तो लॉटरी वाला मिलना चाहिए, आप समझे ना। मगर ये समझ में नहीं आता है कुदरत का कानून, कुदरत का कानून कर्मों के आधार पर चलता है, तो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर है। जितना फास्ट आएगा इतना फास्ट जाएगा। आपके पास भुगतान करने का जो समय है उससे पहले या उससे बाद आपको नहीं मिलेगा, उसी टाइम पे मिलेगा। आने का वक्त जाने का वक्त फिक्स है, जैसे जन्म और मृत्यु फिक्स है, ऐसे हर कर्मों की अवस्था पाप और पुण्य की वो भी क्या है, फिक्स है, पहले या बाद में नहीं होता है। आया उसका मतलब ये है कि हमारी चॉइस नहीं है, तो रिजल्ट ही है ना, रिजल्ट में चॉइस होती है। तो फिर बीज है, बीज वो भाव है, उसमें आपके पास चॉइस है, ये विचारों के संलग्न भाव करे या ना करे वो आपके पास चॉइस है, मगर जो आता है उसमें चॉइस नहीं है, वो कंपलसरी है। इसको कैरी फॉरवर्ड करना कि नहीं करना नेक्स्ट बर्थ के लिए वो आपके हाथ में है, इसमें साइन करना कि नहीं वो आपके हाथ में, मगर आया वो तो रिजल्ट है और उसमें चॉइस। आप कहोगे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, वो आपके हाथ में नहीं है ऐसे विचार, ये विचार जो आए वो मेरे के लिए मुक्त मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, ऐसा आप भाव कर सकते हैं, मगर विचार आया उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा और वो आपके ही कर्मों का फल है, मगर कैरी फॉरवर्ड करना कि नहीं वो आपके हाथ में है। आना कंपलसरी है क्या है, और वो उसको जाना भी कंपलसरी है, तो इसलिए हमको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छे संजोग आते वो भी चले जाएंगे और बुरे आते वो भी चले जाएंगे, मगर बुरे आते हैं तो हमको लगता है खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, लंबा लगता है, मगर लंबा होता नहीं है, उनका लाइफ फिक्स है, कुछ नहीं करेंगे तो भी समय पर चला जाएगा। मगर हमारी जो सहन शक्ति कहो या संभाव कहो वो इस प्रकार से रहता नहीं है, तो इसीलिए छोटा समय हमको बड़ा लगता है, क्योंकि आपके अवेयरनेस क्या होती है, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो उसकी लेंथ लंबी लगती है, आप समझे। ये कुदरत, ये दुनिया का साइंस जानो पहले। लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमको ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोला आपको आप बेध्यान है तो ध्यान करो, मना क्या करते हो, नहीं समझ में आया, वो आपकी चॉइस है, ये गलत थोड़ी बात है। तो बोला स्वामी जी आप तो हमारा इंसल्ट करते हो, हम बेध्यान है, तो बोला ध्यान नहीं है तो ध्यान करने की जरूरत है, बेध्यान हो तभी तो ध्यान करेंगे, जो ध्यान वाला है वो ध्यान किसका करेंगे। तो फिर मेरे को कहता है स्वामी जी हमको क्या करना चाहिए, क्या वो लोग मेडिटेशन सिखाते हैं तो मेडिटेशन में तो हमको शांति महसूस होती है, क्या ये सब गलत है। मैं बोला गलत कैसे हो सकता है, सही है, जब आपको अनुभव होता है तो मैं गलत कैसे कहूँगा आपको। मगर उसके पीछे साइंस समझो क्या है, कि भी मैंने कोई चीज़ के ऊपर, कोई गुरु के ऊपर, कोई मंत्र के ऊपर, कोई भगवान के ऊपर या कोई और ज्योत के ऊपर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, उसका मतलब है वो थोड़े समय के लिए संसार को तो भूल गया, उसका आनंद है, वो ज्योत का आनंद नहीं है, ये मंत्र का आनंद नहीं है, ये भगवान का पिक्चर का आनंद नहीं है, ये गुरु का पिक्चर का आनंद नहीं है, अब दुनिया भूल गए उसका आनंद है। जब आपको कोई टेंशन है या तो कोई पेन है कमर में या पांव में पेन है, फिजिकल एग्जांपल दूं, पेन है, पेन फील भी हो रहा है आपको, पर जैसे टीवी देखा और अपनी मनपसंद सीरियल देखा, एक घंटे के लिए पेन गायब, विदाउट मेडिसिन, विदाउट मंत्र, यस और नो, इसका नाम है ध्यान, क्योंकि आपका ध्यान वहां चला गया, ये भूल गए। लोग कहते चमत्कार हो गए, चमत्कार नहीं है, इट्स प्योर साइंस। व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट इन वन प्लेस, बाकी का अनुभव उस समय नहीं होता है, इट इज अ प्योर साइंस, मगर ये नहीं जानते हैं तो हमको लगता है सिद्धि है, चमत्कार है, क्या करें। और मैं दुनिया को ये बताने आया हूं कि दुनिया में साइंस के अलावा कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ रिलेटिव ट्रूथ है, इसमें कोई प्रिंसिपल और प्रिंसिपल नहीं है, फिर भी आप इसको मानते हैं और लोग पुलिस बन रहे हैं। और मैं सबको जगाने के लिए आया हूं कि आप भ्रांति में मत जियो, ओपन योर आई और नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, आखिर वास्तविकता क्या है,
मेरे को कोई कहेंगे कि तुमको राम बनना है, कृष्ण बनना है, मयूर बनना है, मैंने बोला क्यों? राम ने कभी कहा कि मेरे को कमलेश बनना है? मैं क्यों कहूँ इसको? मैं क्यों बनूं? मैं सिद्धार्थ ना बनूं कि राम बनूं? बोलते नहीं है, सी नो दैट, मगर माइंड में सेट कर देते हैं राम महान थे, कृष्ण महान थे, महावीर महान थे, हमको उसको ही देखते रहो। मैं क्या करना है इसको देख के? हमको सिद्धार्थ होना है कि वो होना है? इनकी बॉडी को तो जला दिया गया, यह सुन लो, तो जल गया वो बना है हमको? बोलते नहीं है, जो नहीं जलता है वो बनना है हमको? तो यानी ग्रेट पीपल का एग्जाम्पल खुद की पहचान के लिए करो, उनके पास से जो ज्ञान है वो पाने के लिए करो, उनकी कॉपी करने के लिए मत करो। उनकी बॉडी कहो या उनकी लाइफ कहो, उनकी कॉपी नहीं करना है हमको। वो सब विनाशी हैं, राम कृष्ण महावीर का पूरा लाइफ विनाशी था, यह सुन लो। तो इससे क्या मतलब है हमको? अच्छा भी है, बुरा भी है, जो भी है, तो विनाशी वो हमारा सब्जेक्ट या अचीवमेंट नहीं है। तो इसमें हम गलत सही नहीं कहेंगे, मगर हमारा अचीवमेंट ही नहीं है। हमारा अचीवमेंट क्या है? उन्होंने जो कुछ सनातन सत्य प्राप्त किया, अनुभव किया, जो शाश्वत था, वो अनुभव का मार्गदर्शन उनको चाहिए। उनकी बॉडी क्या थी, उनका लाइफ क्या, दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट, राइट और रॉन्ग। मगर लोग उनमें फंस गए, अभी कहानियों में से बाहर ही नहीं निकलते हैं। ओनली स्टोरी एंड पीपल दे लाइक एंड लव द स्टोरी। कौन करेगा क्या? कुछ भी नहीं करेगा। आप समझे? यस, अपना ये अभी अपने ध्यान की जो बात की, अपना ध्यान का अगर वो रहेगा, आप ध्यान जो करेंगे जागृति बढ़ाने के लिए अगर वो करते हैं, मान लो कि मुझे अपना 10-15 मिनट के लिए अपने ध्यान में बैठने का, ध्यान में मुझे पर्पज ये रहेगा, मेरा जो भी विचार आता है, जो भी रहता है, खाली मुझे देखने का है, एक सेपरेशन रहने की मुझे अपना एक हैबिट तैयार करनी है, तो उसको ध्यान बोलेंगे कि उसको और कुछ चीज बोलेंगे? आपके अंदर विचार आते हैं उससे अलग रहना है, वो ध्यान का आपका पर्पस है, ठीक है? देखो, सिंपल बात ये है, ये प्रैक्टिस के लिए बराबर है, मगर वैसे भी हम विचारों से तो अलग है ही। क्या बताया? विचार न हमारे कंट्रोल में है, न हम करते हैं, और न धक्का लगाओगे तो जाएंगा। वो सब विचार अपनी लाइफ लेके आए, बिगिनिंग और एंड, और वहां तक वो रहेगा। हमको उसकी असरों से मुक्त रहने के ज्ञान की जरूरत है, विचारों से मुक्त रहने के ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना लाइफ लेके आए। कोई कहता है मेरे को शरीर से मुक्त रहने का ध्यान करना है, तो कितना घंटा करूं? उन्हें बोला श्वास चले तब तक करो, तो कब करे? शरीर तो रहेगा। तो जो बात प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए मैंने कहा असरों से मुक्त रहो। विचारों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? विचार तो अपने आप आते हैं, रहते हैं, चले जाएंगे, वो उनका लाइफ है। मैंने विचारों से मुक्त होने का नहीं, सेपरेशन रहने का, जब भी ऐसा कुछ आ जाएगा तो उसमें एक हैबिट अपना प्रैक्टिस थोड़ा हो जाए, क्योंकि मैं उसे विचार, इसीलिए कहा विचारों से मुक्त नहीं रहो, विचारों के असर से मुक्त रहो। विचारों, विचार तो कंपल्सरी आएंगे, और वो मन का स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। और विचारों से तो हम मुक्त है ही, असरों से मुक्त रहने का विज्ञान चाहिए आपको। असरों से मुक्त रहने का विज्ञान ये है, विचार मेरे को आता है, विचार मेरे लिए है, विचार मेरे लिए अच्छा या बुरा है, और विचार मेरे लिए काम का है। तो हम क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। विचार मन का स्वभाव है, विचार से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, विचार प्रकृति के लिए है, और मैं प्रकृति से मुक्त हूँ। विचार में प्रॉफिट एंड लॉस है, मेरे में तो प्रॉफिट लॉस नहीं है, इसीलिए विचार की वैल्यू मेरे विजन में नहीं है। वो आए चला जाए, वो इट्स ऑन सब्जेक्ट, मैं उससे मुक्त हूँ, दैट्स इट। तो असरों से मुक्त रहेंगे, पर वैल्यू करेंगे और मुक्त रहना, ये दोनों संभव नहीं है। डी वैल्यू, जीरो वैल्यू, और विचार आएंगे क्योंकि आपने प्रीवियस अर्थ में बिलीव के रूप में लपेटा है, तो यहाँ क्या होता है? निकलता है। तो उसमें कोई चॉइस नहीं है।
मीन्स के अपना वो स्वामी जी अपना ये भी जो विचार जो आता है वो भी अपना एक नो कर्म ही है ना, वो जो भी नो कर्म ही तो है ना, ऑफ कोर्स 100% नो कर्म है। तो बात को आज तक जो भी पढ़ा है या जो कुछ भी प्रैक्टिस किया था आपने, इसको भूल जाओ और साइंस को समझने की कोशिश करो, क्योंकि साइंस इज अ ओनली अल्टीमेट एंड यूनिवर्सल। बाकी धर्मों और सामाजिक या श्रद्धा की जो बात है वो गलत नहीं है, रिलेटिव ट्रूथ है, और इसीलिए उसका बेनिफिट मिलेगा, मगर टेम्पररी, क्योंकि बात ही टेम्पररी है, तो परमानेंट बेनिफिट कैसे मिलेगा, और परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कोई कहेंगे कि मेरे को जीवन में सुख प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी करनी होनी चाहिए, पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए, सुविधा ज़्यादा लोगे तो आपको सुख मिलेगा। तो ये तो सामाजिक आंसर है। आध्यात्मिक पुरुष ये कहेंगे कि कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सके, जैसे उसके बाद जन्मरण से मुक्त हो तभी आपको सच्चा सुख प्राप्त की अनुभूति हो सकती है। तो ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता है, स्वास्थ्य अच्छा रखना, पैसे वाले बनना, सुविधा प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना, ये सही रास्ता है? नहीं है। That's it. भाई मेरे पास 1,00,000 रुपया है, मैं 10 लाख वाले को कहूंगा ये रिच है, मैं तो पुअर हूं। 10 लाख वाला कहेगा उनके पास तो करोड़ है, मैं पुअर हूं। करोड़ वाला कहेगा उनके पास तो 10 करोड़ है, मैं पुअर हूं। तो इसमें लिमिट क्या है? कुछ भी नहीं। हर समय आप पुअर नहीं समझ में आया तो एक कुछ सॉल्यूशन है, देखने का नजरिया है, तो इनमें इसमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। दैट्स इट। उसका उल्टा देखेगा तो बोले हर टाइम पे मैं धनवान हूं। तो कहने का नहीं, वो भी देखना नहीं है, वो दोनों रिलेटिव सत्य है। हमको दोनों बिलीफ से पर रखे सनातन सत्य की बात को ध्यान में रखना है। क्या आखिर बिलीफ ही तो बंधन है? बिलीफ ही तो बंधन है। एक भाई ने प्रश्न किया एक बड़े महान सन्यासी को कि सुखी होने का रास्ता कौन सा है। तो बोला इच्छाओं को मिटा दो। क्या बताया? इच्छाओं को मिटा दो। तो बोला इच्छा तो कैसे मिटा सकती, वो तो समय समय पे इच्छा तो होती रहेगी, जरूरत के हिसाब से कहो, शौक से हिसाब से कहो, देखने के बाद कहो, वो तो इच्छा तो होती रहेगी, तो फिर कैसे सुखी होंगे। तब सन्यासी ने कहा कि इच्छाओं को मिटाने का मतलब होता है जो इच्छा वाला है उसकी उत्पत्ति न हुए ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। नहीं समझ में आया? इच्छा किसको होती है? मन वचन काया को। इसकी उत्पत्ति ही न होवे ऐसा ज्ञान प्राप्त, ताकि इच्छा ही जीवन है तो इच्छा तो रहेगी, मगर जीवन क्यों मिलता है? इच्छाओं को पूरी करने के लिए। अभी हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करें क्योंकि इच्छा नहीं रहे। भाई इच्छा क्यों नहीं रहेगी? तो कि मालूम हो गया कि शरीर में हूं नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। मालूम हो गया कि शरीर और शरीर के माध्यम से जो कुछ मिलता है उसमें सुख है ही नहीं, तो फिर इच्छा से मतलब क्या है? सुख तो मेरे में, मैं शुद्धात्मा हूं, और हैप्पीनेस भी मेरे में, इनफाइनाइट ज्ञान भी मेरे पास है, इनफाइनाइट पावर भी मेरे पास है, तो फिर इच्छा की जरूरत क्या है? तो अज्ञान को मिटाओ। ने मिटाओ क्या? अज्ञान मिटेगा तो मैं परमात्मा हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत सुख वाला हूं, वो तो हूं, वो पाना नहीं है, है उसका अनुभव करना है, मगर अज्ञानता के साथ इसका अनुभव नहीं होता है। एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है, दोनों का साथ में अनुभव नहीं होता है, या तो अंधेरे का होगा या उजाले का होगा। अज्ञान के साथ ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, अंधेरा के साथ प्रकाश का अनुभव, टेम्पररी के साथ परमानेंट का अनुभव नहीं होता है। स्वामी जी कभी मतलब जब हमें पता तो विज्ञान समझ में तो आ गया है
कि हम नहीं है, उसका उपयोग भी करते हैं जब डेली जब हम कुछ कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो यूज उपयोग होता है, पर होता है लेकिन कभी कभी नहीं चला जाता, मतलब वो उपयोग नहीं होता है कुछ टाइम, एक हफ्ता सपोज चल गया, अच्छा चल गया, तुम उपयोग कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि कौन क्या है, कौन कर रहा है और तुम नहीं हो वो जो करने वाला है या बोलने वाला है, सुनने वाला है, खाने वाला है। फिर क्या हो जाता है कि एक महीने तक सब भूल जाते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं और उसमें ही फिर से जुड़ के देने लगता है, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर रियलाइज होता है कि ये क्या चल रहा है, फिर से थोड़ा बीच बीच में आता है एक, मतलब कुछ एक्सट्रीम हो जाए, कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर वापस आता है उपयोग में, फिर कहीं चला जाता है। तो वो कैसे हम 100% और उपयोग होगा तो ही तो आई थिंक फिर अनुभव ज्यादा बढ़ेगा। कैसे अभी हमारा जो उपयोग है ना वो ट्रांजेक्शन वाइज है। क्या है ट्रांजेक्शन? मैं जो बात करता हूँ जरा ध्यान से सुन। सॉरी, अभी हमारा जो उपयोग है वो ट्रांजेक्शन वाइज है। कोई ट्रांजेक्शन में उपयोग रहता है, कोई ट्रांजेक्शन में नहीं रहता है। ज्ञानी कहते हैं पूरा पैकेज से ही मुक्त है। आप विचार की बात करोगे, जबान की बात करोगे, एक्शन की बात करेंगे, किसी के साथ व्यवहार की बात करेंगे, सत्ता की बात करेंगे, संपत्ति की बात करेंगे, साधन की बात करेंगे, मगर पूरा पैकेज है। क्या है पैकेज? पैकेज से ही हमको कंसल्ट नहीं है, ये विज्ञान एक दिन आपको समझना पड़ेगा और अनुभव करना पड़ेगा। हम सब ट्रांजेक्शन में फंस गए। हर व्यक्ति अपने जीवन को, बाह्य जीवन को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रही है। यस और नो? यस। पूरी जिंदगी तक वो सफल नहीं होती। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी, बिकॉज इट इज डिसाइडेड प्रोग्राम। तो जो पूरा पैकेज है फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज एंड बाय लॉ नेचर। तो पैकेज से मुक्त रहना इजी है, ट्रांजेक्शन से मुक्त रहना इजी नहीं है। यू अंडरस्टैंड मी? क्योंकि कई अवस्था अच्छी लगेगी, कई बुरी लगेगी, फिर अच्छी लगेगी, फिर बुरी लगेगी, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो पैकेज में ही फंसे रहे आप। कंपैरिजन इन कंपटीशन में नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं ऐसा कह रही हूँ कि अच्छा बुरा टाइम ऐसा नहीं है, अगर अच्छा भी चल रहा है तो भी कभी उपयोग रहता है, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद जब सत्संग में आए हैं, अभी फ्रेश है, अभी सब चलता है, एक दिन तक फुल अच्छा रहेगा सब कुछ, की सब समझ आएगा कि क्या क्या है पूरा, मतलब फुल टाइम, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाता है, फिर हम लोग जैसा पहले जीते थे मतलब ऐसे हो जाते हैं, वो सब ज्ञान सब थोड़ा साइड पे हो जाता है, फिर थोड़े टाइम के बाद सत्संग में आओ कुछ क्या तो कुछ पढ़ो, फिर वो वापस आता है दैट एक्सपीरियंस। तो वो क्या करे कि वो जाए नहीं, मतलब वो हमेशा के लिए वैसा उपयोग रहे और फिर एक्सपीरियंस भी ज्यादा बढ़े। इसमें दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि सत्संग में ज्यादा आओ, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है और पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सत्संग में नहीं आओ, मगर हमारी दृष्टि में सत्संग रखो। क्योंकि आप समझो ये 2 घंटे के लिए सत्संग में आप आए, मानो कि 1 महीने में 1 बार आप 2 घंटे के लिए आए, एग्जांपल देता हूँ, तो 1 महीने का आवर्स कितना है? 1 दिन का 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 तो क्या होगा? 720 आवर्स। तो 720 आवर्स में हम 2 घंटे का सत्संग में आए और बाकी के समय में हम रिलेटिव सत्य में ही जी रहे हैं, तो पावर किसका रहेगा? रिलेटिव सत्य का। बट नेचुरल बात है। तो इसीलिए मैंने कहा उस समय आपके विज्ञान का जितना उपयोग करोगे दृष्टि से इतना आप सत्संग में ही है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उपयोग बढ़ाओ विज्ञान का, मतलब व्यवहार तो रहेगा जो भी है वो,
विज्ञान रहेगा तो वही सत्संग है। समझ में आया? मगर हम कहेंगे कि सत्संग सुनने के बाद इसके इफेक्ट थोड़े समय के लिए रहेंगे, वो तो लंबे समय नहीं, वो तो सत्संग का पावर है, पावर कितना रहेगा, मगर जब आप अप्लाई करते रहोगे तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है। सिर्फ आने से लेंथ नहीं बढ़ती है, ये आपका उदय कर्म है, उदय कर्म के आधीन आपको बेनिफिट मिलता है। ये गलत जगह पे जाओगे तो उसका प्रभाव होता है, सही जगह पे जाओगे तो उसका प्रभाव होगा, ऊपर प्रभाव टेम्परेरी होता है। मगर एप्लीकेशन जो होता है, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं, इसकी अगर अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिजिकल सत्संग नहीं होगा तो भी आप विज्ञान में रह सकते हैं, मगर वो आपके ऊपर डिपेंड है। व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ साइंस, उसकी कीमत, विज्ञान की कीमत समझो, वैल्यू। सेकंड स्टेप आएगा एप्लीकेशन, उपयोग, एंड थर्ड स्टेप आएगा एक्सपीरियंस। जब वैल्यू ही नहीं रहेगी, एप्लीकेशन कैसे रहेगा, तो अनुभव कैसे होगा। ये मैंने कहा नहीं है, स्पिरिचुअल पाथ इज नॉट अ वर्ड्स एंड एक्शन, इट इज अ विजन। एक्चुअली द आध्यात्म विज्ञान इज ऑन अ बेस ऑफ विजन, नो स्पीच एंड नो एक्शन वैल्यू, ओनली विजन की वैल्यू। और जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, तो दृष्टि में करेक्शन की बात है, ये सृष्टि में करेक्शन नहीं कर सकता। तो हमारी दृष्टि में जैसे जैसे साइंस का विजन सेट करते रहो, ये मत समझो कि कितना हुआ। यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, यू आर वॉकिंग, इट इज इनफ। डोंट लुक योर डेस्टिनेशन टूडे, बट वेन द पाथ इज करेक्ट एंड यू आर वॉकिंग ऑन अ राइट पाथ, वन डे यू रीच योर डेस्टिनेशन। मगर अभी तो हमको यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो 700 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर चले पिपला, अभी तो अहमदाबाद दिखता नहीं है। फिर 50 किलोमीटर चले, अभी भी दिखता नहीं है। फिर 100 किलोमीटर चला, बोला अभी भी दिखता नहीं है। दिखेगा, दिखेगा तो क्या गलत हो आप? यू हैव टू वॉक ऑन राइट पाथ, दैट इज योर एग्जाम। सही रास्ता है और चलते हैं, इट इज मोर देन इनफ, डोंट काउंट इट। एक माइल भी आगे चलते अच्छी बात है ना, अगर हर रोज हम एक माइल भी चलते नथिंग रॉन्ग, कल 2 माइल चलेंगे, मतलब आज हमको 5 मिनट भी उपयोग रहा विज्ञान का, कल 10 मिनट रहेगा, परसों 20 मिनट रहेगा, परसों आधा घंटा रहेगा, इट इज टू बी कॉल्ड इम्प्रूव। आप पहले ही सोचोगे 24 घंटा तो नहीं होता है, कैसे होगा, मशीन थोड़ा है। तो डोंट थिंक नेगेटिव, यू आपकी अवेयरनेस के साथ एफर्ट सही रास्ते पर चलते रहो, एक दिन अपने आप रिजल्ट आएगा, वो आपको भी दिखेगा। स्वामी जी, और जितना रहेगा इतना तो आपको दिखेगा ही। यस स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा बोला, जो दृष्टि में रहना चाहिए वो। वही तो मैंने कहा, हाँ वही, बहुत 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 अच्छा चीज बताया आपने। दृष्टि में रहेगा भी, मान लो कि भी आपने बोला 700 किलोमीटर है अहमदाबाद यहाँ से, लेकिन वो बोला एक दिन अपने 5 किलोमीटर चढ़ेगा, बाद में आपको दृष्टि में रहेगा तो बोला दूसरे दिन मुझे 10 किलोमीटर पर चलना है या 5-10 किलोमीटर, लेकिन दृष्टि में नहीं रहेगा तो बाद में वो भूल ही जाएंगे मुझे अहमदाबाद जाने का। और कभी कभी एग्जिट भी ले लेते हैं, एग्जिट भी ले लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं, थोड़ा कहाँ पे गए वापस आते हैं। तो हर बातों को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। देखो दादा भगवान का एक सेंटेंस है गुजराती में, के बधी उपाधि नु मूल मुआ तुच्छ छे, तारे बधु जोईए छे ने पछी भोगवानो होय तारे रड़े छे, तारे कहने के मारे अमानु कशु जोईतु नथी, आई एम प्योर सोल, आई एम चेतन, आई एम परमानेंट एंड आई हैव अ इनफाइनाइट पावर, आटलू गुंड गुंड करने तो ये जगत विस्मृत थई जैसे, એટલે विस्मृत थई जैसे मीन्स पसार थे जैसे, तो नहीं इफेक्ट नहीं था। कहने का मतलब यह है, हमारे हम क्या करते, हमारा लाइफ बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है और बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। जितने भी ज्ञान लिया है, किसी का लाइफ साइंटिफिक है ही नहीं और प्रैक्टिकल भी नहीं है, सब मैकेनिकल लाइफ बीते हैं। हर रोज बोलेंगे
मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। फिर कोई तकलीफ आएगी तो शक्ति मांगे फोटो के पास। तो मैंने कहा वो अभी इसको निकाल दो, आप ये को फोटो में अनंत शक्ति है, फोटो में अनंत शक्ति बोलो तो बोलने का नहीं, आप नहीं समझे तो इसको साइंस कहेंगे। नहीं थिंक अबाउट, इसको साइंस क्यों बोल सकता है? आज थर्ड पार्टी को प्रश्न करेंगे कि हम ऐसा करते हैं तो कोई आपको साइंटिस्ट कहेगा? नहीं, सो बी प्रैक्टिकल। दुनिया कैसे चलती है छोड़ दो, हमको साइंटिस्ट बनना है। पर किसका? आध्यात्मिक साइंटिस्ट, भौतिक नहीं। ये दुनिया का सनातन जानना है, इसमें आत्मा भी आ गया वो भी सनातन है और बाकी के तत्व भी सनातन है, उनका रोल है। और रोल की अवस्था में हम फंस गए तो अवस्था में पढ़ना ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, दुनिया को नहीं। दुनिया तो चलती है और चलती रहेगी। राम भी आए, कृष्ण भी आए, महावीर भी आए, सब आए चले गए, और दुनिया, हमको अपना रास्ता निकलना है, दुनिया का रास्ता नहीं निकालना है। आप समझे? तो ये बात है, हर बात में हमारी जो सोच है वो इतनी लिमिटेड है ताकि हम इस प्रश्न का परमानेंट सॉल्यूशन जानते ही नहीं है। दादा भगवान के पास एक भाई आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों पहली बार आए, कोई महात्मा लेके आए थे और सामाजिक प्रश्न को लेकर आए थे, वो कोई धार्मिक या आध्यात्मिक को लेकर नहीं आए थे। फिर दादा भगवान ने बिठाया, आगे पढ़े लिखे थे तो फिर बैठे, फिर दादा भगवान को प्रश्न किया कि भाई दादा मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, हमने दोनों ने शादी किया है, प्रेम प्रेम लग्न बोलते हैं तो शादी किया है, अभी 10 साल हो गए, हमारे बच्चे भी हैं, मगर एक दूसरे को कभी बनती नहीं है, दोनों का व्यू पॉइंट क्या है अलग अलग है, तो टकराव बहुत होता है। तो मैं क्या करूँ, मैं उनको सुधारने का प्रयत्न कर दूँ, वो मेरे को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, अभी कब इसका अंत आएगा नहीं समझ में आया। अंत कब आएगा? हम अंत कब आएगा समझे? खुद को सुधार। तो फिर नहीं नहीं खुद को सुधारा ऐसा नहीं, वो तो बराबर है। तो फिर दादा ने कहा देखो ये पैकेज या सामने वाला पैकेज, इसको सुधारने का प्रयास मत करो, ये दोनों आपके हाथ में नहीं। आपके बीज को बदल लो, फल अपने आप चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्यों इतना लेबर करते हो? जब बीज बदल लो तो फल अपने आप चेंज होगा कि नहीं? हम तो फल को बदलने का प्रयास करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आज आप समाज में देखोगे ना, सोशल लाइफ में, तो क्या देखेगा आपको? सासू बहू को चेंज करने का प्रयास करेगी बहू सासू, पति पत्नी को, पति पत्नी को, बच्चे माँ बाप को सुधारेंगे, माँ बाप बच्चे को सुधारने का। हर व्यक्ति एक दूसरे को सुधारने में ही पड़ी है, खुद की दृष्टि किसी को सुधारना नहीं है। और इसीलिए सबकी गलती ही दिखती है नहीं, मगर दिखती है, क्योंकि सुधारते हैं भी, दृष्टि को सुधारो ने तो बहुत हो गया, मगर क्योंकि रिलेटिव सत्य जो है वो इतना गृहस्थ मिथ्यात्व हो गया, गृहित मिथ्यात्व, क्या बोलते हैं, गृहित मिथ्यात्व हो गया, इतना इतना वो लपेटा हुआ है कि इसमें से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। गृहित मिथ्यात्व ट्रांजेक्शन वाइज पजल जो है उससे आम आदमी नहीं निकल सकता है। इसीलिए मैंने कहा साइंस के पैकेज को समझो, तभी रास्ता है। ट्रांजेक्शन वाइज चेंज करने जाओगे यू आर फेल इन योर लाइफ, नहीं कर सकोगे। ये डे टू डे लाइफ में महात्माओं के लिए ये अध्यात्म विज्ञान का एप्लीकेशन किस तरह होना चाहिए? सभी एक ध्येय वाले खपी लोग ही बैठे हैं यहाँ, तो उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में जिससे आगे बढ़े और खुद को अनुभव हो। रामकृष्ण महावीर का अनुभव तो था, पर हमारा क्या है फिर? इसीलिए कहते हैं उनका था तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है? उन्होंने क्या पाया कि उसको अनुभव हुआ? वही मार्ग पे हमको चलना होगा जी। वो रिलेटिव सत्य को फॉलो नहीं किया, सनातन सत्य को किया, तो हमको भी ज्ञान करना चाहिए। हर बात में रिलेटिव सत्य को सॉल्यूशन लाने का प्रयास करोगे देन यू आर फेल इन लाइफ, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो जिस प्रकार से आपने बीज बोया है वो फल आने वाला ही है, आप अवेयर हो या ना हो। नहीं।
तो उसमें एफर्ट की जरूरत नहीं है। एफर्ट की जरूरत वहाँ है कि हमने रिलेटिव सत्य की हर अवस्थाओं को सनातन सत्य से कैसे देखे, समझने की कोशिश करें ताकि वो पजल पजल ही नहीं लगे। एग्जैक्टली, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अब पजल को सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आप वो डिजल हो जाओगे, क्योंकि इसका कोई एंड है नहीं। आपके लाइफ का एंड आएगा, पजल का एंड नहीं आएगा। तो ये ट्रांजेक्शन का सॉल्यूशन, ये रियल रास्ता नहीं, टेम्पररी है। वो टेम्पररी है। वही ना, अपना दादा भगवान ने भी वही बोला, मैं जो वो अपना पानी का एग्जांपल दिया था, भी अपने थोड़ी स्लो पानी रखते हैं तभी आप उसको सहन कर पाएंगे, ज्यादा रहेगा तो आपको सहन नहीं कर पाएंगे। वो आप इमीडिएटली बोलेंगे, जो बहन जी ने जो पूछा ना उसके लिए, अभी वो ज्यादा अपना फोर्स आता है तभी वो टाइम पे अपना वो अपने वो टाइम पे आपका वो उपयोग चला जाता है। लेकिन प्रिंसिपल लेवल पर अगर जो करते हैं तो बातें वो भी रहेगा। अभी जो बताया उसमें भी ऐसा हो गया कि मान लो कि मुझे उसमें पजल होने का ही नहीं है, अभी जो करने वाला है अपना दिस वही रहेगा, ये आप मौन वचन का ही सब पूरा पजल हो रही है या तो अपना सफरिंग कर रही है, तो बाद में वो चीज होगा ही नहीं। अभी जो आपने जो बताया वो शब्द से सब बहुत अच्छा लगता है, शब्दों से प्रैक्टिकल में जो एक ही बात है, आपको आपके विजन में साइंटिफिक विजन जो है वो बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन। उसके थोड़े डे टू डे एग्जांपल में थोड़ा उसमें कुछ हर बातों को सिखाइए। हर बातों को हम ट्रांजेक्शन के फॉर्म में देखते हैं। जो पहले मैंने उत्तर दिया था वो बताऊं जी, जैसे आज मैं सुबह उठा और रात को सो गया, जिन जिन व्यक्तियों के साथ मैंने व्यवहार किया घर में परिवार में, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, दूध वाला आया तो ये सही नहीं है, प्रेस वाला आया तो वो सही नहीं है, सब्जी वाला आया तो ये पैसा ज़्यादा लेता है, रिक्शा वाला आया तो लूटता है, ऐसे ट्रांजेक्शन में हम फंस गए। इसमें साइंस की तो बात ही नहीं, हमारा पूरा अभ्यास चला गया रिलेटिव सत्य में। एक्सरसाइज किस में चलेगी? रिलेटिव सत्य, रिलेटिव। अभी उसमें से निकलेंगे तो रात को कहेंगे हम तो थक गए, इतने सारे व्यक्तियों से एडजस्ट होके होके थक गए, मगर ये आपकी एक्सरसाइज है, परिश्रम है, ये विजन नहीं है, लेबर है, लेबर, इट्स नॉट योर विजन। तो ये पूरा परिश्रम जो हमने किया तो परिश्रम से ऊपर है विजन। आपको विजन को सेट करना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति व्यवहार करती है मेरे साथ वो अपनी स्वतंत्रता से करती है या इनके हिसाब से करती है। हिसाब से करती है तो क्यों फिर डीप में जाता है? क्या उनके पास फ्रीडम है उसको चेंज करने का? क्या इनके पास फ्रीडम है उसको चेंज करने का? तो फिर क्यों डीप में जाते हैं? व्हाई व्हाई एंड व्हाई यू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, बेटर यू मेक सेपरेशन। वो इजी है, करेक्शन करना इजी है, आप पजल में ही चले जाओगे और फिर आपका अहंकार भी स्ट्रांग हो जाएगा। 10 बार कहा तुम भी तो भी तुम समझते नहीं है, काम नहीं करते, भूल जाते, क्या करने का? ये समझो हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल लाइफ है और इंडिविजुअल कर्म है हर व्यक्ति का। हस्बैंड वाइफ का मतलब नहीं है कि दोनों का कर्म सब एक ही है, सब अलग अलग कर्म है। उनकी सोच अलग है, उनके विचार अलग है, उनके संजोग अलग है, आपका विचार अलग है, आपके संजोग अलग है, भले हस्बैंड वाइफ है फिर भी। तो वो अपनी मस्ती से जी रहा है, तुम अपनी मस्ती से जी रहे हो, आप समझे कि नहीं? और हर व्यक्ति दावा करती है कि मैं कहूं वैसा आप करो, मैं कहूं वैसा आप करो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जीवन कर्मों का फल है, जीवन तुम्हारी चॉइस नहीं है। राम को चॉइस थी, कृष्ण को चॉइस थी, महावीर को थी। तो लाइफ इज नॉट चॉइस, लाइफ इज सफरिंग, बट इसमें आपको संभव रखना है। That's it. Choice नहीं है। संभाव का मतलब होता है राग द्वेष नहीं होने चाहिए। वो कैसे नहीं होंगे? साइंटिफिक रीजन। ऐसे राग द्वेष नहीं करना है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं बनेगा। जब साइंटिफिक रीजन रहेगा तो आपको लगेगा कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, न ये है न वो है। लेकिन स्वामी जी, लेकिन वो अपना वो दृष्टि रखेंगे, वो समझ रखे, फिर भी वो नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो। ओके, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है।
साइकिल चलाते गिर गए तो अपना वो टाइम पे जो रखा कुछ भी हो गया तो ठीक है चलो अपना दो पांच मिनट के बाद या तो एक दिन के बाद भी मालूम पड़ा होगा ठीक है चलो ऐसी एक महीने के बाद होता है तो भी क्या तकलीफ है ठीक है तो इतनी लाइफ निकल जाती है तो फिर सवाल ही नहीं प्रैक्टिस वो अपना उसको प्रैक्टिस बोलेंगे विज्ञान के विजन की प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी देयर इज नो एनी अदर वे देयर इज नो एनी अदर वे इन दिस वर्ल्ड और कोई रास्ता दुनिया में नहीं है और नहीं कोई दे सकता है आप समझे जब सनातन सत्य से आगे कौन सा रास्ता होगा वो तो बताओ कौन सा रास्ता होगा दैट्स इट और सनातन सत्य की बात में विशेषता ये है कि लॉ ऑफ नेचर न इसका कोई क्रिएटर है न इसका कोई ओनर है यानी कोई व्यक्ति की बात नहीं है नाउ यू अंडरस्टैंड तो फिर अंत में भी वो ही बात को समझनी पड़ेगी फॉर परमानेंट सॉल्यूशन देयर इज नो एनी अदर ये फॉर्मेट से परमानेंट सॉल्यूशन संभव नहीं है जो क्रिया होती है उसको उदय कर्म मानो पुरुषार्थ नहीं मानो और पुरुषार्थ का मतलब होता है रिलेटिव सत्य से सेपरेट रहो वो पुरुषार्थ है और तुम क्रिया को पुरुषार्थ मानोगे तो वो तो रिलेटिव सत्य है और वही तो अज्ञानता है अज्ञानता का मतलब ही रिलेटिव सत्य कितनी बार मैंने कहा है और वही आप घूमते रहोगे तो फिर क्या होगा वही पक्का होगा ना रिलेटिव सत्य हमको उससे तो मुक्ति पाना है रिलेटिव सत्य से मुक्ति पाना है उसकी बिलीफ से मुक्ति पाना है उनकी क्रियाओं से मुक्ति नहीं पाना है वो तो उदय कर्म है तो वो सब्जेक्ट साइंस का इसलिए मैंने कहा फॉर्मेट वो साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है मैंने कितनी बार कहा है इसीलिए कोई कहेंगे मेरे को ये करना है क्या करना है वो साइंस का सब्जेक्ट साइंस कहता है उदय कर्म है अपना प्रतिक्रमण करना है कि नहीं करना उदय में है तो करो नहीं उदय में तो नहीं करो ये पुरुषार्थ नहीं कहेंगे अगर आप पुरुषार्थ कहोगे तो आपका लेवल क्या है रिलेटिव सत्य है यू अंडरस्टैंड जब सेपरेशन की बात आती है तो डोरशिप की बात नहीं है जब डोरशिप की बात है तो सेपरेशन की बात नहीं है दोनों साथ में नहीं चलेगी अदरवाइज यू आर इन कंफ्यूजन ये डोरशिप एंड सेपरेशन दोनों साथ में चला तब साइंस गलत कदम होगा एंड पीपल दे आर इन कंफ्यूजन आज मैं कहता हूँ या साइंस को फॉलो करो या रिलीजन को फॉलो करो दैट्स इट अदरवाइज यू क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड दोनों में से करो दिस इज योर चॉइस दोनों में से एक भी गलत नहीं है अगर अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपको पुण्य तो मिलेगा इसमें मना क्या करता हूं आप कर्ता भाव से करोगे तो पुण्य तो मिलेगा इसमें कोई गलती नहीं है आपकी अज्ञान नहीं खत्म होगा क्या नहीं होगा अगर आपको मोक्ष में जाना है आज नहीं 100 अवतार के बाद तो अज्ञान को ही मिटाना पड़ेगा देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड दैट्स इट आज नहीं तो 100 अवतार के बाद भी यही प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी उसमें कोई ऑप्शन आप समझे तो ये प्रिंसिपल की बात है यहां मेरी और तुम्हारे बिलीफ की बात है ही नहीं आज मैं इतना ठोस बोल रहा हूं आप देखो कैसे बोल रहा हूं मैं ये बात करना आसान नहीं है ये बात करना आसान नहीं है बिकॉज मैं ट्रेडिशनल बात नहीं करता हूं ट्रेडिशनल बात करने वाला तो बहुत मिल जाएगा आप खुश भी हो जाएंगे तालियां भी बजाएंगे मैं बियॉन्ड बात करूंगा आपको तभी आपको लगेगा कि इतने बियॉन्ड की बात करता है जो हमने अभी तक सुनी नहीं थी सोची नहीं थी समझे भी नहीं थी और अप्लाई भी नहीं किया वो बात करते मगर उसमें भी कुछ सच्चाई लगती है ये ग्रेटनेस है अगर ट्रेडिशनल बात करूंगा तो आप तो खुश तो हो जाएंगे आपकी प्रगति कुछ नहीं होगी वही फॉर्मेट को फॉलो करके आनंद करो बस वही रहेगा जी वही रहेगा मैं कल से पूछूंगा आपको अपने स्वामी जी किया है ना नहीं किया है स्वामी जी बोला करके सो जाना अब आरती किया है नहीं किया है आरती करके सो जाना तो आप करोगे आपको आनंद होगा पर ये साइंस है ये साइंस है प्रकृति से जो होता है उसका कंट्रोलर हम है तो इसको पुरुषार्थ मानना वो ज्ञान है कि अज्ञान है तो क्या हमको अज्ञान पकड़ करना है यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट हमको विज्ञान को अनुभव करना है विज्ञान को समझना है
अपनी दृष्टि को साइंटिफिक बनाना है, तो इसीलिए इसके अंदर डीप में मत जाओ, क्योंकि आपका कंट्रोल है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ आपकी भ्रांति है, और भ्रांति तोड़ने का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और कई लोग कहते हैं वो तो धीरे धीरे विज्ञान समझ में आएगा, एकदम कैसे आएगा, वो दादा भगवान भी कहते थे कि ये नहीं समझ में आया, तभी तो उसको ये व्यवहार सत्य दिया, ये रिचुअल्स दिया, समझ में आता है तो नहीं देता है। ऐसा मेरे पास आर्ग्यूमेंट आ चुका है, हर प्रकार के आर्ग्यूमेंट आ चुके, हर प्रकार का उत्तर साइंस में है, मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ता है कि उत्तर क्या देना है, इट इज माई विजन, इट इज इन माई विजन। आपने कभी भी नहीं किया है वो, कभी जरूरत भी नहीं है। आप जो प्रश्न करते हो इतना छोटा है, 0.001% है, और मेरा विजन इतना बड़ा है, उसको कोई वैल्यू नहीं है प्रश्न के। मेरा पर्सनल भी प्रश्न करोगे तो देयर इज नो वैल्यू, कोई है ही नहीं पावर आपके प्रश्न के अंदर, तो मैं क्यों अपनी डिफिकल्टी महसूस करूं, है ही नहीं तो आपके प्रश्न में। तो मेरे को ये कहा था कि दादा भगवान ने भी ये नहीं कहा, और उन्होंने भी रिचुअल दे दिया, पहले साइंस बताया फिर रिचुअल्स दे दिया, श्रीमद राजचंद्र ने भी साइंस बताने की कोशिश किया फिर रिचुअल्स दिया उन्होंने, बोले अलग अलग प्रकार के लोग। तो फिर आप साइंस की बात करते कब तक आप टिकेंगे, आप समझे। मैंने बोला देखो ये उनका उदय कर्म है, ये मेरा उदय कर्म है, मेरा मिशन मैं लेके आया हूँ सिर्फ साइंस देना है, उनका मिशन ये था कि साइंस देना है, नहीं समझे तो रेडिएशन देना है, ये उनका मिशन है, उनका उदय कर्म है, मेरा उदय कर्म ये है कि साइंस के अलावा कुछ देना नहीं। हालांकि मैंने पहले भी रिलेटिव सत्य दे दिया 20 साल तक दादा भगवान के मार्ग में, अभी समझ में आ गया कि साइंस नहीं है, ये तो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट की तरह ये फॉर्मेट है, तो मैं फॉर्मेट की बात नहीं करता हूँ, जब साइंस की बात करना है तो मैं फॉर्मेट की बात को भूल नहीं गया हूँ, मगर जब साइंस की बात करूंगा तो ये नहीं आएगा, उसको खाली सपोर्ट लेते हैं। तो इसीलिए एक डिसीजन लिया कि फॉर्मेट की बात नहीं करनी है, और जो फॉर्मेट फॉलो करता है इसके लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं चाहिए हमको, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, उसमें करना न करना वो है आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट, वो साइंस का सब्जेक्ट, डूअरशिप या नॉन डूअरशिप वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, सेपरेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। उसके लिए कौन सा लॉ ऑफ नेचर यूज करना है कि हम दूसरों की और हमारी प्रकृति को देखें, मींस डीप में ना जाए। जब वेन यू नो द वैल्यू ऑफ प्रकृति आइदर योर्स और अदर्स, वहाँ तक तो डीप में जाएंगे, पर आप जब प्रकृति की वैल्यू आपके विजन में जीरो कर देंगे तो आपकी या दूसरों की मैं नहीं जानती, क्योंकि है ही जीरो वैल्यू, आप करते हैं कौन करते हैं, जो वैल्यू करेंगे तो अटेंशन तो रहेगा ना, तो वैल्यू नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अभी सही नहीं है, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, उत्तर ये है कि आपको प्रैक्टिस सही करने का प्रोसेस करना है थ्रू योर विजन, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्यों नहीं होती है, कितनी होती है, वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप यू आर अंडर प्रोसेस, तो होगा 2 मिनट रहेगी, 5 मिनट रहेगी, 15 मिनट रहेगी, 20 मिनट जागृत रहेगी, बाद में नहीं भी रहेगी पूरे दिन में, फिर आधा घंटा रहेगी, फिर नहीं रहेगी, फिर 1 घंटा रहेगी, फिर नहीं रहेगी, 23 घंटा ऐसा होता रहेगा, पर यू आर प्रैक्टिस करके परफेक्ट की ओर आगे बढ़ रहे हो, दैट्स योर प्लस पॉइंट। आप 24 से काउंट मत करो, आज मेरे को 24 घंटे में 10 मिनट जागृति रही, दैट्स ये मेरा आज का कैपिटल है, कल मेरे को 10 से 15 मिनट हो रही दिस माय कैपिटल, ऐसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 24 में क्यों नहीं हुई इतने साल, वो काउंट नहीं करना है, पागल हो जाऊंगे। देखो देखो ही मत, मैंने पहले भी कहा आप चलते हैं सही रास्ता है, इट इज मोर देन इनफ, डोंट लुक योर डेस्टिनेशन, चलते हैं सही रास्ता है तो आएगा ही। खुद को टेस्ट करने का कुछ
सही रास्ते पे ही है उसका स्वामी जी सही रास्ता है कि नहीं उसका इसका एक ही एग्जांपल है कि आप आपके पुरुषार्थ को रिलेटिव सत्य से माप से मापते हैं या साइंटिफिक रीजन से, इसके ऊपर डिपेंड है। बाकी तो सर्टिफिकेट और कौन देगा, खुद को आप देखना है कि मेरा मैं जो नाप रहा हूँ मेरा प्रोग्रेस वो साइंटिफिक विजन से नाप रहा हूँ या रिलेटिव सत्य से, वो आपको देखना है। अगर रिलेटिव सत्य से नाप रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन बराबर नहीं है, हो सकता है वो पुण्य का मार्ग हो सकता है वो पुण्य का मार्ग हो, मगर वो राइट पाथ नहीं है, क्योंकि पुण्य का और पाप का मार्ग कितने अवतार उसमें हमारे पास है, फर्स्ट टाइम है, तो वही रास्ते पर चलना है, फिर इसको हम प्रोग्रेस कहेंगे। थिंक अबाउट पाप पुण्य का मार्ग, ये पहली बार तो नहीं है ना, हजारों अवतार से हम पाप और पुण्य के मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, यस और नो? यस। और वही मार्ग पे चलना है, बियॉन्ड जाना ही नहीं है हमको। कभी तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा, अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को राइट पाथ पे जाना है, अपने आप को इस प्रकार की अज्ञानता से मुक्त होना है, बंधनों से मुक्त होना है, कर्मों से मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्करों से मुक्त होना है, तो आपको एक दिन तो सनातन सत्य साइंटिफिक विजन क्रिएट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। इसमें मन वचन काय की बात नहीं आती है, यस और नो? यस, दैट इज ओनली वे। बाकी जो रिलेटिव सत्य है वो तो है ना, इसमें हम कहाँ मना करते हैं, वो सब्जेक्ट ही नहीं है मेरा जी। कोई कहता है मेरे को 2 घंटा प्रतिक्रमण रोज करना है सामायिक में बैठ के, तो करो, कौन मना करता है, मगर कौन करता है? तो प्रकृति का कंट्रोल कौन है? नेचर। खत्म हो गई बात, तो उसको कॉलम कौन से कॉलम मिले जाओ, परिणाम। और मैं उससे मुक्त हूँ, शुद्धात्मा उसको पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ कौन सा आया? सेपरेशन, डुअरशिप नहीं। डुअरशिप को पुरुषार्थ मानोगे तो वो फॉर्मेट की बात है, रिलेटिव सत्य की बात है, उसमें अपग्रेड नहीं होंगे जी, वही ग्रेड में चलते रहोगे, कभी पाप ज्यादा होगा कभी पुण्य ज्यादा होगा, कभी पाप कभी पुण्य, मगर उस बंधन से बाहर नहीं आए। तो एक दिन तो आपको समझना पड़ेगा, बोले मेरी बात नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नहीं, और अपना स्वामी जी आपने भी बताया था ना, सब 24 तीर्थंकर अपना उसके हिसाब से अपना केवल ज्ञान, जिसको भी केवल ज्ञान तीर्थंकर की बात छोड़ दो, केवली को भी केवल ज्ञान हुआ, ये दुनिया को सनातन सत्य समझने के बिना, ये लॉ ऑफ नेचर को समझे के बिना वैराग्य आना असंभव है, वैल्यू जीरो करना असंभव है किसी के भी लिए। इट इज नॉट मैटर ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन बट फॉर ऑल। अगर मेरे को भी केवल ज्ञान हुआ है, एग्जाम्पल ले कोई कहेगा इनको केवल ज्ञान हुआ है, तो उनको भी पहले ये सनातन सत्य समझ में आया, तभी पूरे वर्ल्ड की हर अवस्था की वैल्यू जीरो हो गई, और इसलिए राग द्वेष नहीं हुआ, बाद में विद्राग बना। तो राग द्वेष मिटाने के लिए रिलेटिव सत्य से राग द्वेष नहीं जाते, सनातन सत्य समझेंगे तो रिलेटिव सत्य को जीरो समझेंगे, और तभी वैराग्य आएगा, और तभी केवल दर्शन होगा, और तभी केवल दर्शन से केवल ज्ञान का बीज, और फिर दैट इज द साइंटिफिक प्रोसेस। एक दिन तो समझनी पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी, गलत रास्ते पर जाके आप कहेंगे कि मैं डेस्टिनेशन के पहुंच सकूंगा, हाउ इट इज पॉसिबल? गलत का मतलब होता है साइंटिफिक वे नहीं है, थियोरेटिकल वे है, सोशल वे है, रिलीजियस वे है, वो अल्टीमेट वे नहीं हो सकता है, वो गुड एंड बैड हो सकता है, अल्टीमेट में गुड भी नहीं है बैड भी नहीं है, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल में गुड बैड नहीं होता है, होता है नहीं, व्यवहार सत्य में गुड बैड होता है, सही और गलत होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है कुछ नहीं होता है। तो ये बात है, और इसीलिए मेरा वेट है ओनली स्पिरिचुअल साइंस। और कल मैंने आप सबको पढ़ के बताया था कि दादा भगवान ने खुद ने कहा है क्रम और अक्रम दोनों पाथ है, इसमें विज्ञान कॉमन है, विज्ञान यूनिवर्सल है, क्रम अक्रम बिगिनिंग और एंड वाला है,
क्रम की भी उत्पत्ति होती है, नाश होता है संयोग के आधीन। अक्रम की भी उत्पत्ति होती है, नाश होती है, मगर दोनों में जो साइंस है वो होती है। दोनों रास्ते से आपको समझना क्या है, साइंस। तो वही साइंस में बात करता हूँ, इसलिए पाठ की बात मैं करता हूँ। समझ में आया ना? नहीं तो फिर पता हो जाएगा। अक्रम विज्ञान वो विज्ञान ही था और क्रम का मार्ग भी क्रम मार्ग ही था, मगर अक्रम के अंदर जब क्रम और अक्रम दोनों साथ में आ गए बस पजल हो गया, फिर वो अक्रम नहीं रहा। टाइटल तो वही रहेगा मगर अक्रम, जब क्रिया को पुरुषार्थ करने की बात आ गई तो फिर अक्रम नहीं, क्रम हो गया। देन द पीपल दे आर इन पजल, यह सुन लो, दैट्स इट। तो इसीलिए मैं नहीं करता हूं। अगर अक्रम में सिर्फ ओनली साइंस होता तो मैं उसी की बात करता, मगर जब क्रम आ गया तो दे क्रिएट द पजल, फिर प्रिंसिपल नहीं रहा, रिलेटिव सत्य सनातन वो मिक्स हो गया और आम आदमी उसमें क्या हुए, पजल में आ गया। आखिर ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, बस यहाँ कोई पजल है नहीं। साइंस में कोई जगह पजल है नहीं, नहीं। हर प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिलता है जी, एंड विद प्रिंसिपल, रैंडम नहीं कि मैंने कहा और आपने स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। मेरा जो भी तो उत्तर होगा वो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर होगा, सबके लिए होगा, सबके लिए अलग अलग नहीं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं होगा। तो विज्ञान समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको इस संसार का, संसार के सभी प्रकार की अज्ञानताओं को मिटाना है, बंधनों को मिटाना है, जन्म मरण को मिटाना है, यही रास्ता है। यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, यू फॉलो थ्रू योर विजन यूनिवर्सल ट्रूथ एंड रियलाइज द यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज द ओनली वे। यस और नो? यूनिवर्सल ट्रूथ में ऑप्शन नहीं होता है, रिलेटिव ट्रूथ और फॉर्मेट में बहुत सारा ऑप्शन है। यस के नो? यस। एंड पीपल दे आर इन पजल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट, रहेगा सत्य, क्योंकि उनकी 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 लिमिटेशंस है। क्या है? दे आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के बाहर के प्रश्न तो रहेंगे, फॉर्मेट में नहीं आएंगे तो उसमें से यूनिवर्सल ट्रूथ ढूंढना संभव नहीं। आपको बियॉन्ड जाना ही पड़ेगा। आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, महावीर को मानो, शिव को मानो, स्वामीनारायण को मानो, किसको भी मानो, एक दिन आपको बियॉन्ड जाएंगे तभी आपको सनातन सत्य समझ में आएगा। आप समझे, ये फॉर्मेट से सनातन सत्य नहीं समझ में आएगा, कोई भी फॉर्मेट क्यों ना आए। वो टाइटल की बात नहीं है, सभी फॉर्मेट इक्वल ही है। क्या है? सिर्फ टाइटल चेंज है। आप समझे ना? एनीवे प्रार्थना बुलाता है। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए है, मैंने जो जो दोष किए वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ। उनके लिए, उनके लिए हृदय से, हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेद भाव निकल जाए, हम में से भेद भाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय
सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।